questions. ठीक है. ऐसो पंच नमोकारो सव पाव पनासनो मंगलानंच सवेसिं पढ़मं हवई मंगलम. ध्यानी मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदम् मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा. अनंत उपकारी चरण तीर्थेश समण भगवान महावीर स्वामी को वंदन नमन. चतुर्विध तीर्थ और मेरे ग्रंथ गुरुओं को भावपूर्वक प्रणाम. इस सृष्टि के समस्त षट जीवनिकायों से प्रतिपल प्राप्त हो रहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए आभार आभार आभार. आगमवाणी आत्मानुभव के साथ सभी भव्य आत्माओं में प्रकाशित हो, इसी मंगल भावना के साथ हम आज उत्तराजन सूत्र के 36वें अध्याय में गति करते हैं. अब तक हमने श्रीमद् उत्तराजन सूत्र के 35 अध्यायों का संक्षिप्त सार सुना. आज हम 36वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं. यह उत्तराजन सूत्र का अंतिम अध्याय है. पहले तो उत्तराजन सूत्र को अपने आप में अंतिम देशना कहा जाता है और फिर इस अंतिम देशना का अंतिम अध्याय ये 36वां है जिसका नाम है जीवा जीव विभक्तिम, जीव और अजीव की विभक्ति यानी दोनों का विस्तार पूर्वक वर्णन और दोनों में जो भेद है उसका जिक्र इस 36वें अध्याय में किया गया है. 36वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले हम इस 36वें अध्याय की महत्ता को दशवेकालिक सूत्र की एक गाथा से जान सकते हैं. दशवेकालिक सूत्र के चतुर्थ अध्याय के अंदर एक गाथा आती है कि जो जीवे वीन याणी अजीवे वीन याणी जीवा जीवे अयानंतो कहम सो नाही इस संजम. कि जो जीव को नहीं जानता, जो अजीव को नहीं जानता, जो जीव और अजीव दोनों को नहीं जानता, भला वो संयम को कैसे उपलब्ध होगा. यानी संयम को उपलब्ध होने के लिए जीव और अजीव के ज्ञान को यहाँ पर एक तरह से अनिवार्य बताया, आवश्यक बताया है. 36वें अध्याय की शुरुआत भी यहीं से होती है कि जीवा जीव विभक्तिम सुने हमें इगमणा इयो जम जानी उण संजमे जम जानी उण समणे संजमम नियो संजमे नियोम भत्ते. कि जिसको जान करके ही व्यक्ति संयम में आगे गति कर सकेगा वह जीव और अजीव की प्रविभक्ति को मैं आपको कहता हूँ. जीव क्या है, अजीव क्या है? पुराने किसी आचार्य ने यहां तक कहा कि अगर आपको जिन शासन को समझना है तो आप दो बातों को समझ लो. इष्टोपदेश के अंदर एक श्लोक आता है,
कि जिसने जीव और अजीव को जान लिया उसने जिन शासन के समग्र सार को जान लिया। जीव और अजीव बचपन से हम ये दो शब्द सुनते आए हैं, जीव यानी जीवन, जिसमें जीवन है, जिसमें चेतना प्रवाहित हो रही है, जिसमें सतत उपयोग की धारा है, जो जान रहा है, जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, वो जीवन है। हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, प्रतिपल संवेदनाएं हमारे भीतर गुजरती है, ये चेतना का लक्षण है, जीवन का लक्षण है। और अजीव वह है जिसके भीतर चेतना नहीं, जड़ता है, जिसका गुणधर्म उपयोग नहीं है, जिसको जानने और देखने की क्षमता नहीं है, जो जान नहीं सकता, देख नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता, वह अजीव है। यह एक परिभाषा हुई। और भी अनेक तरीकों से हम इस जीव और अजीव को इस अध्याय के माध्यम से समझेंगे। यह अध्याय कहता है कि जो पूरा लोक है, जिसको लोग दुनिया बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं, संसार बोलते हैं, जगत बोलते हैं, भव बोलते हैं, भव सागर बोलते हैं, उसको जैन सूत्रों में लोक कहा गया है। और लोक की परिभाषा करते हुए कहा कि जहां जीव और अजीव दोनों पाए जाते हैं उसका नाम लोक है। षट द्रव्यात्मकम लोकम, जो षट द्रव्य युक्त है वह लोक है। लोक का मतलब है जो आलोकित हो रहा है, जो प्रकाशित हो रहा है। लोक का मतलब देखना भी होता है, आलोक, प्रकाश, लोक, लुक के धातु से बना, जो दिखाई पड़ रहा है वो सब कुछ लोक है। ये जगत है जो लोक है, जिसको लोग यूनिवर्स कह रहे हैं, उसको जैन सूत्रों में लोक कहा गया है। और ये लोक दो तत्वों से मिलके बना, जीव तत्व और अजीव तत्व। लेकिन लोक है तो अलोक भी है, प्रकाश है तो अंधेरा भी है, दिन है तो रात भी है, गर्मी है तो सर्दी भी है, ऐसी लोक है तो अलोक भी है। आज वैज्ञानिक इस परिकल्पना तक पहुंचे हैं कि अगर यूनिवर्स है तो कुछ एंटी यूनिवर्स भी होना चाहिए। वो इस हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं कि अगर एंटी यूनिवर्स है तो उसमें क्या होगा, क्योंकि यूनिवर्स है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ एंटी यूनिवर्स ना हो। हाँ, लोक है तो अलोक है। अलोक में कौन सा तत्व काम कर रहा है? अलोक में मात्र एक तत्व है जिसका नाम है आकाश। आकाश का वास्तविक अर्थ होता है रिक्त स्थान। जो भी खाली स्थान है वो सब आकाश है। बचपन से हम आकाश को समझते थे, जो ऊपर दिखाई देता है वो आकाश, आसमान को हम आकाश कहते हैं। पर खाली आसमान ही आकाश नहीं, आकाश सर्वत्र आकाश ही, आकाश मतलब रिक्त स्थान, सर्वत्र रिक्त स्थान तो है ही, स्थान तो है ही ना। जो भी स्थान है वो आकाश है। तो अलोक एंटी यूनिवर्स में मात्र एक एलिमेंट है और उसका नाम है आकाश। आकाश का मतलब स्काई नहीं, आकाश का मतलब है बस कुछ है, उसको हम स्थान बोलते हैं, आधार बोलते हैं, वो है बस। आकाश दिखाई नहीं पड़ता है, हमें ऐसा लगता है हम आकाश को देख रहे हैं, हम आकाश को नहीं देख रहे हैं। आकाश देख ही नहीं सकते हम, क्योंकि आकाश का तो कोई रंग ही नहीं है। बड़ी विचित्र बात, हम कहते हैं आकाश नीला क्यों है, आकाश आसमानी क्यों है, आकाश आज काला क्यों है, आज पीला, लाल, हरा क्यों है। नहीं नहीं आकाश का कोई रंग नहीं है, ये रंग आकाश में मौजूद बहुत सारे अलग अलग तत्वों का, वो रंग किसमें वो बात हम आगे जानेंगे कि रंग है किसके अंदर। मौजूद बहुत सारे द्रव्यों का मिश्रण से ये रंग भासित हो रहा है, आकाश का कोई रंग नहीं। तो अलोक यानी एंटी यूनिवर्स ओनली स्पेस है वहां पर, और लोक उसमें जीव भी है और अजीव भी है। तो हम जीव और अजीव की चर्चा शुरू करते हैं। तो इसको कैसे जानना? पुराने जमाने में किसी भी तत्व को जानने के लिए कुछ अलग अलग अपेक्षाएं रखी जाती थी, कुछ द्वार बनाए जाते थे, दरवाजे बनाए जाते थे। इसको जानना है तो इन इन द्वारों से जानो, यानी इन इन एंगल्स से जानो। जैसे आज भी हम किसी भी मकान में जाते हैं तो उसको अलग अलग एंगल्स से देखते हैं। इस मकान को इस एंगल से देखो तो ऐसे लगेगा, उस एंगल से देखो तो ऐसे लगेगा। किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज को हम जानते थे अलग अलग एंगल से जान रहे हैं, क्योंकि हम पूरा तो देख नहीं रहे हैं। पूरा जब नहीं देख रहे तो हम अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, और जब एंगल से देख रहे तो हम कितने तरह के एंगल से देख सकते हैं।
तो मोटा मोटी चार तरह के एंगल से देख सकते जानने के चार तरीके, चार व्यू पॉइंट्स या चार दरवाजे, चार द्वार जो बताए गए हैं वो क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। हम किसी भी चीज को उसके द्रव्य से जानते हैं, द्रव्य यानी सब्सटेंस, वो क्या है? क्षेत्र यानी वो किस स्पेस में है, क्या स्पेस घेरता है या किस स्पेस में है। काल यानी उसका टाइम क्या है, और भाव यानी उसके भीतर की क्या विशेषता है, क्या मौजूदगी है, उसकी मौजूदगी को कैसे पहचाने, क्या गुण है, क्या गुण धर्म है, उससे हम जाने। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, चार बातों से हम इन जीव और अजीव तत्वों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजीव की। अजीव हमसे ऑपोजिट है, इसलिए पहले ऑपोजिट को जान ले, फिर हम अपने आप को भी जाने कि हम जीवन है तो हम क्या है। और अक्सर हमको सब सामने वही दिखाई पड़ रहा है, खुद तो देख खुद खुद को तो नहीं देख रहे, हम सामने वाले को देख रहे हैं। हमारी आंखों की एक विशेषता है कि आंखें पूरी दुनिया को देख सकती है, पर वो खुद खुद को नहीं देख सकती। तो हमारी दृष्टि पहले पर पे जा रही है, जब पर पे जा रही तो वो पर क्या है? अजीव है, जो हमारे सामने मौजूद है। हम उस अजीव को जाने, क्या हम अजीव को पूरा जानते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम उसके एक हिस्से को भी शायद नहीं जानते होंगे। अब अजीव को जानने के तरीके क्या बताए हैं? सूत्रों की बात कर रहे हैं अभी हम, क्योंकि सूत्रों की बात करें तो हो सकता है सबको थोड़ी ऐसी अजीब सी लगेगी, क्या नए नए शब्द, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और नए नए शब्द आने वाले हैं। आज इन सारे नए नए शब्दों को हमें माइंड में थोड़ा रजिस्टर करना होगा, या थोड़ा एकदम फोकस होकर सुनना होगा, तो शायद हमें कोई कोई शब्द समझ में आए कि क्या है, क्योंकि हमारे वोकैबुलरी में यूज आने वाले, डेली यूज आने वाले शब्द है ही नहीं। अजीव को सूत्रों के अंदर द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से बताने से पहले ये बताया है कि जो अजीव अपने आप में है वह दो प्रकार का। अजीव द्रव्य दो प्रकार का, जिसमें चेतना नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, वो दो प्रकार का है। एक वह जिसको हम देख सकते हैं उसको रूपी अजीव कहा गया है, एक वह जिसको हम नहीं देख सकते उसको अरूपी अजीव कहा गया है। रूपी का मतलब ये रूपवान, जो दिखलाई पड़ सकता है, जो ठोस है, जो मूर्त है, जिसका कोई आकार है, जिसका कोई प्रकार है, जिसका कोई रूप है, वह रूपी अजीव है। अरूपी अजीव जिसका कोई आकार, प्रकार, ठोस रूपा रूप में वो मौजूद नहीं है, उसको अरूपी अजीव कहा गया है। अब जो रूपी अजीव है और अरूपी अजीव है, इसके वापस और भेद है। रूपी अजीव के चार भेद है, अरूपी अजीव के 10 भेद है। पहले हम 10 भेद वाले अरूपी अजीव की बात करते हैं। अरूपी अजीव में क्या क्या आता है? तो धर्मास्ती काय, अधर्मास्ती काय, आकाशास्ती काय और काल, ये चार द्रव्य है जो अरूपी अजीव में आते हैं। अब इस चार द्रव्य की बात करने से पहले हम एक बात और समझ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं जिन्होंने इस जैन फिलोसॉफी को इस तरीके से कभी नहीं सुना होगा, तो वो जाने कि जैन दर्शन में 6 द्रव्यों की बात आती है। द्रव्य यानी सब्सटेंस, द्रव्य यानी जो भी सत्तावान पदार्थ है, जो भी अस्तित्ववान पदार्थ है, उसको द्रव्य कहा गया है। ये द्रव्य का क्वेश्चन ही कहाँ से आया कि द्रव्य क्या है, द्रव्य क्यों है? जब एक व्यक्ति अपने भीतर यात्रा कर रहा होता है, तभी सबसे पहले उनका ध्यान को कहीं टिका रहा है। और कहाँ टिका रहा है? कोई तो एक आकार होगा जिसमें टिका रहा होगा, कोई तो एक स्थान होगा, कोई तो एक सब्सटेंस होगा जिसमें वो टिका रहा होगा, तो उसको वो द्रव्य कहा जाता है। ये जो द्रव्य है, हम देखें कि द्रव्य शब्द का अर्थ क्या है, पहले इसको भी समझ लें। द्रव्य का अर्थ ऐसा नहीं कि जो कोई ठोस स्थूल कोई एक पदार्थ पड़ा है, क्योंकि अब तक बचपन से हमने जो फिजिक्स और साइंस पढ़ी होगी उसके अंदर जब हम द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य का मतलब होता है कोई एक पदार्थ, कोई एक सब्सटेंस। जैसे हमने कोई लोहा लिया, चांदी लिया, धातु लिया, कोई भी, हम उसको द्रव्य बोल देते हैं कि एक द्रव्य है, चांदी एक द्रव्य है, सोना एक द्रव्य है। लेकिन यहाँ जिस द्रव्य की बात की जा रही है वो मात्र चांदी सोना नहीं है, चांदी सोना भी उसका एक पार्ट है, लेकिन द्रव्य का मतलब है जो सतत परिवर्तनशील है, सतत तरल है, प्रवाहित हो रहा है। ध्रुव धातु से बना है द्रव्य शब्द, इस ध्रुव धातु का अर्थ होता है जो सतत गति कर रहा है, सतत बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है। अब हमें महसूस हो या ना हो, लेकिन सब चीजें सतत गति में है, सतत प्रवाहित हो रही है, सतत परिवर्तन में है, तरल है। यहाँ कुछ भी चीज ऐसा नहीं जिसको हम कह दें कि ये बस एकदम स्थिर ही है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ तरल है, सब कुछ प्रवाहित हो रहा है, पूरा अस्तित्व सतत गतिशील है। तो इस गतिशील अवस्थाओं को भी हम अलग अलग विभागों में समझ रहे हैं। तो पहले हम 6 विभागों में इन गतिशील अवस्थाओं को समझ रहे हैं, जिनको 6 द्रव्य कहा गया है। षड द्रव्यात्मकम लोकम, ये जो लोक है वो 6 द्रव्य वाला है।
इन छह द्रव्यों के नाम भी सुने। इन छह द्रव्यों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक है जीव और बाकी सब है अजीव। पांच अजीव है, एक जीव है। जीव को जीव अस्थि काय कहा गया है। जीव अस्थि काय यानी जीव अस्तित्वान है, जीव मौजूद है, जीव अस्थि काय। जीव को अलग कर लिया। अब हम पांच अस्थि काय की बात कर रहे हैं, पांच द्रव्य की, जो कि अजीव है। उसमें पहला है धर्म अस्थि काय, दूसरा है अधर्म अस्थि काय, तीसरा है आकाश अस्थि काय, चौथा है काल और पांचवा है पुद्गल अस्थि काय। ये पांच अस्थि काय, पांच द्रव्य है, वह जो अजीव है, पांच अजीव द्रव्य है। इनमें से धर्मास्थि काय का अर्थ होता है धर्म। धर्म का मतलब है स्वभाव। क्या है स्वभाव, क्या है धर्मास्थि काय? पूरा जो लोक है उसमें सतत गति मौजूद है, गति सर्वत्र व्याप्त है। तो उस गत्यात्मक जो अवस्था है, उस गत्यात्मक अवस्था को नाम दिया गया है धर्मास्थि काय। जैसे हम देख रहे हैं पानी में सतत गति है, हवा सतत बह रही है, ऐसे हवा हमको बहती नजर आ रही है, बादल शायद बहते हुए नजर आ रहे हैं, पानी शायद बहता हुआ नजर आ रहा है, अग्नि भी हम देख रहे सतत बहती हुई नजर आ रही है कि ऊपर की ओर उठ रही है। ऐसे हर चीज में गति है। ये तो दिखलाई पड़ने वाली बात है, लेकिन दिखलाई ना भी पड़े तो भी गति है ही। और ये सारी गति जिस आधार से हो रही है, सारी गति का जो स्वाभाविक रूप है उसका नाम है धर्मास्थि काय। यानी ये पूरा जो लोक है, जो यूनिवर्स है, उसमें सतत गति मौजूद है। अभी ये बात वैज्ञानिक अलग तरीके से कह रहे हैं, उसको वो कह रहे हैं एक्सपांडिंग यूनिवर्स। वो कह रहे हैं ये जो यूनिवर्स है वो सतत एक्सपांड हो रहा है। उन्होंने एक थ्योरी दी है कि यूनिवर्स सतत एक्सपांड होता जा रहा है, ये एक जैसा कभी भी नहीं रहता है। बस यही बात समझ लो धर्मास्थि का है, एक्सपांडिंग यूनिवर्स। एवरीथिंग इज एक्सपांडिंग, हर एक चीज कहीं ना कहीं गति कर रही है, विस्तृत हो रही है। तो उसका नाम है धर्मास्थि का है कि गति किस आधार से हो रही है, किस तत्व के कारण से हो रही है। गति स्वभाव है और वही धर्मस्थि का है, यानी अस्तित्व का स्वभाव ही गत्यात्मक है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि गति 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 होती रहे? अगर सब कुछ गति होती रहेगी तो होएगा किस आधार पे? कोई भी गति होती है उसका कोई ना कोई तो आधार होता है। वो आधार क्या होएगा? गति कहाँ कैसे होती जाएगी? क्या गति होती जाएगी या गति का एंटी गति भी कुछ होता है? क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं यूनिवर्स का एंटी यूनिवर्स है, तो क्या गति का भी कोई एंटी गति कुछ होता है? हाँ, होता है। उसका नाम है अधर्मास्थि काय। अधर्मास्थि काय का मतलब है कि जैसे गति स्वभाव है वैसी स्थिति भी स्वभाव है। इस पूरे अस्तित्व के अंदर स्थिति भी मौजूद है, गति मौजूद है, स्थिति भी मौजूद है। विचित्र लगेगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि गति हो और स्थिति भी हो? गति सर्वत्र हो तो स्थिति सर्वत्र कैसे हो सकती है? हाँ, स्थिति भी सर्वत्र है और गति भी सर्वत्र है, तो भी कुछ स्थान संस्थान बना है, तभी तो कुछ मौजूद है, सत्तावान है। अगर खाली गति रहे और स्थिति ना रहे तो गति भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सत्य ऐसा ही है, स्वरूपतः ऐसा ही है कि हर विपरीत चीजें एक दूसरे के लिए परिपूरक है। हर विपरीत चीजें एक दूसरे के लिए परिपूरक है। जैसे हम बोल रहे हैं शीत और आग, विपरीत है लेकिन परिपूरक है। एक दूसरे के बिना एक दूसरे का रहना संभव नहीं है। तो गति के साथ स्थिति भी मौजूद है। स्थिति का नाम है अधर्मास्थि काय। जो कुछ भी स्थिर हो रहा है, जो कुछ भी आधार मौजूद हो रहा है, वो सब कुछ अधर्मास्थि काय की वजह से हो रहा है। वो धर्म का एंटी होने की वजह से उसको अधर्म बोला गया है। धर्म का एंटी है। अब बाइबल में इसको बोलते हैं एक भगवान एक शैतान है। अब भगवान और शैतान दो की परिकल्पना क्यों की गई? प्रश्न पैदा होता है, अगर भगवान ने दुनिया को बनाया तो फिर शैतान को किसने बनाया? अगर दुनिया ही भगवान ने बनाई है तो फिर शैतान भी तो भगवान ने बनाया होगा। और जब शैतान भगवान ने बनाया तो शैतान बुरा क्यों हुआ? क्वेश्चन उठना स्वाभाविक है। तो वहां पर हम जिस शैतान और भगवान की परिकल्पना कर रहे हैं, इसको जैन सूत्र में कहा गया है धर्मास्थि का और अधर्मास्थि का है। दोनों ही सत्तावान है, किसी ने किसी को बनाया नहीं है। ना धर्म ने अधर्म को बनाया, ना अधर्म ने धर्म को बनाया है। धर्म भी अस्थि का है, अधर्म भी अस्थि का है, भगवान भी अस्थि का है, शैतान भी अस्थि का है। इन अर्थों में समझे तो कि किसी ने किसी को बनाया नहीं है, सदा मौजूद रहने वाले द्रव्य है ये। स्थिति को कैसे समझा गया? धर्म को धर्मास्थि काय को और अधर्मास्थि काय को कैसे समझाया गया? तो हमारे पुराने आचार्यों ने बहुत प्यारे से दृष्टांत दिए, एग्जाम्पल्स दिए, जिससे हम समझ सके कि जैसे समुद्र में मछली गति कर रही है
अब मछलियां जो समुद्र में तैर रही है, तो समुद्र उस मछली के लिए आधार बन रहा है, एक सहायक तत्व बन रहा है। हालांकि मछली का तैरना उसका स्वभाव है, लेकिन वो मछली तैर तब तक नहीं सकती जब तक कि पानी ना हो, सरोवर ना हो, जलाशय ना हो, समुद्र ना हो। तो जैसे समुद्र मछली को कह नहीं रहा है कि तुम गति करो, समुद्र मछली को रोक भी नहीं रहा है, लेकिन समुद्र का होना मछली की गति करने में, मछली के तैरने में सहायक है। ऐसे ही जीव और पुद्गल के समस्त द्रव्यों के तैरने में, गति में जो सहायक है वह धर्मास्तिका है। वह प्रेरणा नहीं दे रहा है, लेकिन वह प्रेरक तत्व है। वह सक्रिय प्रेरणा नहीं दे रहा, क्योंकि वो जीव ही नहीं, वो तो अजीव है, तो सक्रिय प्रेरणा कैसे देगा, सचेत प्रेरणा कैसे देगा। लेकिन उसकी मौजूदगी से प्रेरणा मिल रही है गति की। ऐसे ही स्थिति कैसे बताया, कि जैसे कोई आदमी चल रहा हो और फिर उसको कोई एकदम वृक्ष मिल जाए छायादार, वो उसके नीचे बैठ जाता है, तो उसको वो छायादार वृक्ष देख करके ठहरने का, बैठने का मन हुआ, अपनी थकान मिटाने का मन हुआ। अब छायादार वृक्ष ने तो नहीं कहा था तुम आके बैठना, लेकिन उसकी मौजूदगी ने उस व्यक्ति के भीतर में बैठने के लिए एक स्थान दे दिया, एक ठहरने के लिए एक सुझाव, एक भीतर का एहसास पैदा करा कि यहाँ ठहर जाते हैं, ठहर के विश्राम ले लेते हैं। ऐसे ही हर एक तत्व विश्राम अवस्था में भी और गति अवस्था में भी है। उसकी विश्राम अवस्था को अधर्मास्थिकाय कह दिया गया है और उसकी गति अवस्था को धर्मास्थिकाय कह दिया गया है। तो धर्मास्थिकाय और अधर्मास्थिकाय दो तत्वों की हमने बात करी। तीसरे तत्व की बात करते हैं, आकाशास्थिकाय। आकाशास्थिकाय का मतलब होता है इस स्पेस, आकाश जो सर्वत्र है, लोक में भी है और अलोक में भी है। लोक और अलोक को भेद करने वाला ये एक ही तत्व है कि वो लोक में भी मौजूद है और अलोक में भी मौजूद है। तो इसको लोकाकाश और अलोकाकाश भी कहा गया है। ये जो स्पेस है, ये क्या करता है, ये आधार द्रव्य है। आधार का मतलब है जिसके ऊपर हम सब मौजूद है, हम सब रह रहे हैं, जीव भी पुद्गल भी सारे तत्व जहां रह रहे हैं, जिस स्थान में रह रहे हैं, उस स्थान को आकाश कह दिया गया। वो आकाश सर्वत्र है, हर बर्तन में भी है। बर्तन में तभी तो उसके अंदर सामान रख रहे हैं हम, बर्तन में मौजूद आकाश में हमने सामान रख दिया। और इस आकाश में मौजूद, आकाश यानी स्थान, स्थान में हमने घर बनाया है, स्थान में हमने दुकान बनाई, सारी चीज हमने कहां बनाई, स्थान बनाई है। तो सब चीजें कहाँ टिकी हुई है, आकाश में टिकी हुई है। हम सब भी कहाँ टिके हुए, आकाश में टिके हुए। आकाश आधार है। जैसे हम कुर्सी में बैठे, लेकिन कुर्सी खुद कहाँ बैठी है, कुर्सी मकान में बैठी, मकान खुद कहाँ बैठा है, धरती में बैठा है। धरती खुद कहाँ टिकी हुई है, आकाश में टिकी हुई है। अब वो आकाश, अभी हम बोलते हैं अच्छा ये जो सौर मंडल है, सौर मंडल का एक ग्रह, एक उपग्रह धरती पृथ्वी है, तो ये सौर मंडल का मतलब क्या हुआ। हाँ ये तो बोल रहे हैं सौर मंडल इस आकाश के अंदर घूम रहा है, तो सौर मंडल में पृथ्वी भी घूम रही है, तो पृथ्वी भी कहाँ है, आकाश में ही हुई ना। हम सारे ही तत्व, सारे ही चीजें, सब कुछ आकाश में है। आकाश मतलब होनापन, स्थान है, आधार बन रहा है वो हम सारे द्रव्यों के लिए, सब तत्वों के लिए। तो वो आकाशास्थिकाय हुआ, आकाश का भी अस्तित्व मौजूद है। आकाश भी कई सारे प्रदेशों से युक्त है, इसलिए इसको आकाशास्थिकाय कहा गया। अब जो आकाश है वो कहाँ है, उस आकाश का ज्ञान किसको हो रहा है, काल को। काल में आकाश मौजूद है, स्पेस पूरा की पूरा टाइम में मौजूद है, काल में मौजूद है। काल का मतलब क्या है, जो सतत परिवर्तित हो रहा है, बदलता जा रहा है। कल 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 नदी की धारा बह रही है, केवल नदी की धारा कल कल नहीं बह रही है, पूरा जीवन ही, पूरा लोक ही कल 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 बहता ही जा रहा है। काल यानी सतत परिवर्तन, वर्तना हो रही है। वर्तना हो रहे का वर्त, काल का गुण बताया, वर्तना। वर्तना का मतलब क्या हुआ, परिवर्तना, सतत जो वर्तित होता जा रहा है, जो सतत घटता जा रहा है, जो सतत बहता जा रहा है, जो सतत बढ़ता जा रहा है, जो सतत चेंज हो रहा है। चेंज मतलब काल, काल मतलब चेंज। अब चेंज कहाँ नहीं है, चेंज इज एवरीवेयर। और चेंज को हम बोलते हैं, चेंज ही एक ऐसा है जो कभी चेंज नहीं होता, सब कुछ चेंज होता है लेकिन चेंज कभी चेंज नहीं होता, फिर चेंज वो काल। इन काल को अस्थिकाय नहीं कहा गया, काल अपने आप में एक ही है, अखंड है, इसलिए उसको अलग अलग प्रदेशों का समूह ना बता करके उसको कहा गया काल। बस काल एक द्रव्य है, काल अस्थि है, लेकिन काल अस्थिकाय नहीं है, क्योंकि काल समूह नहीं है, काल अद्धा है, इंडीड है, वास्तव में है, और इसका कोई अंश नहीं है, इसका कोई भेद नहीं है। भेद हमने बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में काल एक अखंड द्रव्य है।
जो सर्वत्र है, तो पूरा के पूरा आकाश जो है वो काल में है। आकाश का भी आधार क्या है? तो बड़ा विचित्र सी बात है कि आकाश स्पेस को कौन समझ रहा है? काल। स्पेस को हम टाइम से रिलेट करके ही समझ पा रहे हैं, अगर टाइम से रिलेट ना करें तो समझ नहीं सकेंगे। ये इस पूरे काल का ज्ञान किसको हो रहा है? इस काल का ज्ञान हो रहा है जीव को, इसलिए कालास्थि काय के काल के बाद में जीवास्थि काय का वर्णन आता है। जब क्षय द्रव्य की बात करते हैं, धर्मास्थि काय, अधर्मास्थि काय, आकाशास्थि काय, और काल के बाद में जीव का नाम आता है जीवास्थि काय, छठा आता है पुद्गलास्थि काय। काल के तुरंत बाद जीव को क्यों रखा गया? क्योंकि इस पूरे काल का जो ज्ञान है, परिवर्तन का जो ज्ञान है, वो चेतना को हो रहा है। चेतना में ही पूरा काल समाया हुआ है, चेतना में ही सारा समय समाया हुआ है। इसीलिए केवल एक महावीर ऐसे महान व्यक्ति हुए जिन्होंने ये कहा कि इस समय को, जो समय है, इस समय को केवल आत्मा जान रहा है, इसीलिए आत्मा ही समय है, समय ही आत्मा है। उन्होंने कहा समय ही आत्मा है, समय में आकाश है, आकाश में धर्म अधर्म पुद्गल सब कुछ है, पूरा जितना भी मौजूदा अस्तित्व है वो सब कुछ आकाश में है। और आकाश पूरा की पूरा अपने सारे डायमेंशन के साथ, आकाश में वैसे कोई डायमेंशन नहीं, फिर भी आकाश के तीन डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्योंकि हम जो देख पाते हैं वो तीन डायमेंशन में भी देख पाते हैं। इस पूरे तीन डायमेंशन के साथ में आकाश पूरा की पूरा काल में है, और काल चौथा डायमेंशन है, लेकिन उस काल को भी जो जान रहा है वो आत्मा है, वो जीवास्थि का है, इसलिए काल के बाद में जीव का नाम दिया गया है, जीवास्थि का। जो जीवन है वो कहाँ है? पूरे लोक में व्याप्त है, पूरे लोक में मौजूद है, जीवास्थि का है। ये जीवन जो उस आधार से चल रहा है, धर्मास्थि का है, अधर्मास्थि का है, आकाशास्थि का है, और काल, और क्या तत्व है जो इस जीवन को इस लोक में, इस अनेकों रूपों में दिखला पा रहा है, मौजूद कर पा रहा है, जो जीवन को दिखला पा रहा है वो कौन सा तत्व है? अब बड़ा विचित्र बात है, जीवन भी अपनी सत्ता को प्रकट कर पा रहा है अनेक रूपों में, वो किसकी वजह से? तो कहा पुद्गलास्थि का, पुद्गल की वजह से। जीव ने पुद्गल का चोला पहन रखा है, जैसे हमने कपड़े पहन लिए ना, अब हम अपने कपड़ों के साथ दिख रहे हैं, ऐसे जीव ने पुद्गला को पहन रखा है, पुद्गलास्थि का है, जीव के सबसे निकट जो है, जिसकी वजह से चेतना अपने आप को प्रकट कर पा रही है। जैसे हम अपने आप को बोल पा रहे हैं, तो हम कैसे बोल पा रहे हैं? हम बोलेंगे इंद्रियों की सहायता से बोल पा रहे हैं। वो इंद्रिया क्या है? वो इंद्रिया कहाँ लगी? शरीर के साथ ना। शरीर क्या है? शरीर दिखलाई पड़ रहा है, वो पुद्गल है। अब ये पुद्गलास्थि का है, ये सबसे बड़ा विचित्र संसार जो है, इस संसार की सारी विचित्रताओं का जो कारण है वो पुद्गलास्थि का है। और बड़ा विचित्र नाम है, पुद्गल शब्द का मतलब क्या होता है? पुद्गल, जैसे बुलबुला, मैं बोलते पानी में बुदबुदा होता है, बुदबुदा क्या होता है? ये उठा, पैदा हुआ और फना हुआ। बुदबुदा उठा पानी पे और फना हुआ, बस उसका नाम पुद्गल। पुद्गल का मतलब है ये जुड़ा और ये बिखरा, ये मिला और ये बिछड़ा। पुद्गल, पूरण गलन, पूरण और गलन जिसका स्वभाव है, संयोग और वियोग जिसका गुणधर्म है, मिलना और बिछड़ना जो है ही, जो जिस तत्व में मिलना बिछड़ना पूरना गलना एक स्वाभाविक गुणधर्म है, उसका नाम पुद्गल है। पुद्गल को भी अस्थि काय बताया गया है, वो अस्तित्ववान है और अनेकों प्रदेशात्मक है, अनेकों रूपों में मौजूद है, इसलिए पुद्गल अस्थि काय बताया। अब हमने छह द्रव्यों का नाम सुना, धर्मास्थि काय, अधर्मास्थि काय, आकाश अस्थि काय, काल, जीवास्थि काय और पुद्गल अस्थि काय, ये छह द्रव्य हैं। छह द्रव्य में हमने पहले ही कहा था जीव को अलग कर लेते हैं, बाकी पांच द्रव्य को हम अजीव द्रव्य बोलते हैं, क्योंकि जीव जीवन है बाकी सब तो अजीव है। अब अजीव के अंदर भी हम वापस बात करें, दो प्रकार का अजीव है, एक रूपी अजीव है, एक अरूपी अजीव है। रूपी अजीव का नाम है पुद्गलास्तिका है, रूपी अजीव यानी पुद्गल, एक पुद्गल ही ऐसा है जिसमें रूप है। रूपी अजीव में एक ही भेद आता है पुद्गलास्तिका है। पुद्गलास्तिका है के वापस चार भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल। अभी नए शब्द और आ गए, स्कंद क्या है, देश क्या है, प्रदेश क्या है, परमाणु क्या है, ये चार फिर नए शब्द आ गए। हम स्कंद, देश और प्रदेश, पहले तीन शब्दों को समझते हैं। स्कंद का मतलब होता है कोई एक, जो एक जैसे हमने बोला 1 किलो चीनी,
एक किलो बर्फी, तो ये स्कंद हो गया। स्कंद का मतलब एक समूह हो गया। अब जो समूह रूप में है, जो कंप्लीट एक आकार के रूप में, उसको स्कंद बोल दिया गया है। अब उस स्कंद से हमने, जैसे एक किलो बर्फी, एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, ऑल्दो एक किलो बर्फी इट्स नॉट कंप्लीट स्कंद, पर हम एक एग्जाम्पल ला रहे हैं कि आप हलवाई की दुकान से पापा आज 1 किलो बर्फी लेकर आए, तो वो 1 किलो बर्फी स्कंद हो गई। उस 1 किलो में से मम्मी ने क्या किया कि 1/2 किलो पहले से ही निकाल करके छुपा के रख दी, क्योंकि उनको पता है मेहमान आएंगे तब तक बचेगी नहीं बच्चों के सामने, तो उन्होंने 1/2 किलो निकाल करके छुपा के रख दी। दैट्स देश, उन्होंने देश निकाल दिया, एक टुकड़ा निकाल दिया, 1/2 किलो निकाल दिया। ठीक है, अब 1/2 किलो निकाल दिया, एग्जाम्पल के तौर पर कह रहे हैं ना। अब क्या किया कि बच्चों ने बाकी बर्फी खा ली, लेकिन उनको उस बर्फी पे नजर पड़ गई जो अलग से मम्मी ने रखी थी, और उन्होंने उस 5 किलो में से सोचा मम्मी को थोड़ी पता लगेगा कि पूरी की पूरी बर्फी में से थोड़ी सी खत्म करने से क्या फर्क पड़ेगा, एक पीस निकाल दिया। दैट्स प्रदेश, देश का एक हिस्सा। प्रदेश, देश का मतलब एक टुकड़ा, देश का मतलब टुकड़ा, और प्रदेश मतलब उस देश का भी टुकड़ा, देश का भी एक और हिस्सा कर दिया गया, उसका नाम प्रदेश। जैसे हम बोलते हैं भारत एक देश है, फिर भारत में बहुत सारे प्रदेश है, जितने भी राज्य है उन सबको हमने प्रदेश बोला ना, तो भारत के अंदर मान लो 36 है, जितने भी राज्य है वो सारे प्रदेश हो गए, तो भारत एक देश है, उस भारत देश के और बहुत सारे प्रदेश है। अब भारत एक देश क्यों है, क्योंकि वे पूरी पृथ्वी का एक टुकड़ा ही तो है भारत भी, इस पूरी पृथ्वी में से एक टुकड़ा है भारत, एक टुकड़ा है संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रदेश है। प्रदेश क्या है? नॉर्थ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना एक प्रदेश हो गया। अब हम जिनके साथ बात कर रहे हैं वो नॉर्थ कैरोलिना के प्रदेश के भी कोई एक व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं ना, लेकिन वो एक व्यक्ति क्या हुआ, वो भी एक प्रदेश ही हुआ। धर्म अधर्म और आकाश के अंदर तो स्कंद, देश और प्रदेश बस 3 हिस्से होते हैं, लेकिन पुद्गल के साथ में एक विशेषता है कि पुद्गलास्तिकाएं में 3 की बजाय 4 हिस्से बताए, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु पुद्गल। अब ये विचित्र बात है कि बाकी सब में कोई परमाणु की बात नहीं आई है, बाकी सारे तत्वों के अंदर 3 बात भेद बताए, धर्मास्तिकाएं, अधर्मास्तिका और आकाशास्तिकाएं, ये 3 अजीव द्रव्य है, इन तीनों के 3-3 भेद है, स्कंद, देश और प्रदेश। स्कंद यानी वो अपने आप में कंप्लीट, देश यानी उसका हमने मान लिया एक हिस्सा, किया नहीं जा सकता पर मान लिया, फिर देश का भी हमने मान लिया एक छोटा और हिस्सा प्रदेश, वो जो अंतिम हिस्सा है जिसका और आगे हिस्सा नहीं किया जा सकता वो प्रदेश है, जिस देश का वो अंतिम अविभाज्य अंश जिसको और आगे बांटा नहीं जा सकता है वो प्रदेश कहला रहा है, स्कंद, देश, प्रदेश। पुद्गल के साथ में क्या हुआ कि पुद्गल एक ऐसा द्रव्य है जिसमें से कोई एक परमाणु, एक परमाणु मात्र में पुद्गल है, और एक परमाणु का जोड़ बन करके कुछ बना वो भी पुद्गल है, तो परमाणु जो वो स्कंद से अलग हो सकता है, वो एकदम अंतिम इकाई रह सकता है, इसीलिए उसका चौथा अंश बताया परमाणु। पुद्गल के 4 भेद बताया, स्कंद, स्कंद का देश, देश का प्रदेश और एक परमाणु पुद्गल। परमाणु पुद्गल का मतलब है वह जो अंतिम अविभाज्य अंश पुद्गल के रूप में है, जो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है इस क्षण में, उसको परमाणु बोल दिया गया है। ऑल्दो ऐसा है नहीं, क्योंकि हर एक तत्व किसी न किसी तत्व के साथ सतत जुड़ा हुआ ही है, फिर भी परमाणु वह है जो पुद्गल के स्कंद से एक अलग हट गया हिस्सा बताया गया है। अब धर्मास्तिकाए, अधर्मास्तिकाए और आकाशास्तिकाए, इन 3 द्रव्य के 3-3 हमने भेद कर दिए, स्कंद, स्कंद का देश और देश का प्रदेश, और काल, काल का हमने बताया कोई स्कंद नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई प्रदेश नहीं है, क्योंकि काल एक अखंड अविभाज्य, गणना की अपेक्षा से करो तो 2.5 द्वीप में मौजूद है, और बिना गणना की बात करो जिसको गिना ना जा सके, कैलकुलेट ना किया जा सके, उस अपेक्षा से अगर काल की बात करें तो काल भी संपूर्ण लोक में व्याप्त है। ठीक है, तो ये 3 के 3, 9 और 10वां काल, ये 10 भेद है अरूपी अजीव के, और रूपी अजीव के 4 भेद है, पुद्गलास्तिकाए, पुद्गल का स्कंद, स्कंद का देश, देश का प्रदेश और परमाणु पुद्गल, ये 4 रूपी अजीव है। रूपी यानी पुद्गल, पुद्गल मतलब जो दिखाई दे रहा है, उसमें क्या विशेषता है पुद्गल के अंदर में, पुद्गल में 4 विशेषता है, इसमें वर्ण है, वर्ण यानी रंग है, गंध है, स्मेल है, रस है, टेस्ट है और टच है, स्पर्श है। वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, और एक 5वां भेद और कहा जा सकता है वह संस्थान यानी आकृति।
कई कई आकारों में है, इसीलिए आकृति भी है, संस्थान भी है, संस्थान मतलब आकृति। तो पुद्गल के अंदर वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये चार मूल गुणधर्म है। अब इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी रंग रूप वाला है, जो कुछ भी स्मेल टच वाला है, वो सब कुछ पुद्गल है। तो यहाँ एक पहेली पैदा होती है। क्या पहेली पैदा होती है? जीव और अजीव तत्व को लेकर की मजेदार पहेली पैदा होती है। पहेली ये है कि जो दिखता है वो देखता है नहीं, और जो देखता है वो दिखता नहीं। जो दिखता है वो देखता नहीं, और जो देखता है वो दिखता नहीं। कौन दिखता है? दिख रहा है पुद्गल, उसी में है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। ना धर्म, ना अधर्म, ना आकाश, ना काल, ना जीव, किसी में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है। किसी के अंदर टच, टेस्ट, कलर्स, स्मेल, किसी में नहीं है, वो सब पुद्गल में है। और पुद्गल की विशेषता क्या है कि पुद्गल दिख रहा है लेकिन देख नहीं रहा, क्योंकि वो चेतन नहीं है, वो जड़ है, वो जीवन नहीं है, वो अजीव है। तो वो दिख तो रहा है लेकिन देख नहीं रहा। अब जो देख रहा है वो कौन है? वो जीव है। जीव में ही देखने की क्षमता है, जीव में ही जानने की क्षमता है। जीव देख रहा है लेकिन जीव दिख नहीं रहा, जीव देख रहा है लेकिन जीव दिख नहीं रहा, और जो दिख रहा है वो दिख नहीं रहा। ये पहेली है, और इसी पहेली में सारी दुनिया उलझी है। सब लोग दिखने वाले में उलझे हुए हैं, जो जो दिख रहा है उसमें उलझे हुए हैं, लेकिन जो देख रहा है उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। और जिसका ध्यान देखने वाले पे आ गया, बस वो अध्यात्म के पथ पे पहुंच गया। और जिसका ध्यान केवल दिखने वाले पदार्थों में है, वो सांसारिक आदमी है। वो उसी पुद्गल के गुणधर्म में गति करता 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 वो खुद भी पुद्गल होता जाता है, यानी जन्म मरण करता जाता है, पूरण गलन होता जाता है, श्वास निश्वास लेता जाता है, जन्मता मरता जाता है, क्योंकि वो पुद्गल में ही गति कर रहा है, क्योंकि वो दिखने वाले में ही उलझ गया है, देखने वाले को वो देख ही नहीं रहा। और जो देखने वाले को देखने लग गया है, जिसने अपना विषय दिखने वाले पदार्थ बनाने की बजाय जो देखने वाला उसको बना लिया। जैसे बोलते हैं आइंस्टाइन जब मर रहा था तो किसी ने उसको पूछा कि आपको क्या लगा, क्या अनुभव हुआ? उसने कहा मुझे एक ही बात समझ में नहीं आई, मैंने जिंदगी में इतनी सारी चीजों को देखा लेकिन ये देखने वाला कौन है, मैंने इसको नहीं पहचान पाया। अब अगर अगला जन्म मिलता है तो मैं उसकी तरफ यात्रा करूंगा कि इन सबको जानने वाला कौन है। मैं जान तो रहा हूँ इतनी सारी चीजों को देख रहा हूँ, लेकिन इनको जानने वाला है कौन, उसको मैं नहीं जान रहा हूँ। अब अगर मुझे और जन्म मिलता है तो मैं उसकी तरफ यात्रा करूंगा कि जानने वाला कौन है। जो ईमानदार वैज्ञानिक होगा वो अपने विज्ञान के माध्यम से अध्यात्म में पहुंच जाएगा। हम दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट के साथ में क्यों ना गति कर रहे हो, किसी भी साइबंधन, आप अकाउंट्स के साथ कर रहे हो, कोई ज्योतिष के साथ कर रहा है, कोई किसी भी चीज, किसी भी पॉइंट टॉपिक के साथ में क्या आना, अगर हम उस टॉपिक की गहराई तक पहुंच जाए, मूल तत्व तक पहुंचने की कोशिश करें, हम अध्यात्म में पहुंच जाएंगे। क्योंकि सब कुछ दिखलाई पड़ रहा है लेकिन देखने वाला कौन है, इसकी तरफ जिसका क्वेश्चन चला गया, बस अब वो संत होने लग गया। अब वो अपने भीतर पहुंचने लगेगा, शांत होने लगेगा, अपने भीतर खोजने लगेगा कि दिखने वाला कौन है। तो ये षट द्रव्यात्मक लोक बताया, उसमें हमने बात करी मुख्यतः दो तत्व की, जीव और अजीव। अजीव तत्व के हमने पांच भेद किए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय तीन, काल चौथा, और पुद्गलास्तिकाय पांचवा। फिर इन पांचों को हमने वापस दो भागों में बांटा, रूपी अजीव और अरूपी अजीव। रूपी अजीव में हमने केवल पुद्गलास्तिकाय की बात करी, जिसके चार भेद है, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। पुद्गल परमाणु यानी एटम, एटम जिसको हम बोलते हैं, एटम भी आज जिसको हम एटम बोल रहे हैं एक्चुअली तो वो भी परमाणु नहीं है, परमाणु तो एकदम सूक्ष्म है जिसको कि इंद्रियों के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता है। और धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशस्तिकाय, तीनों के हमने तीन भेद किए, स्कंद, देश और प्रदेश। एग्जाम्पल से याद रहेगा कि मिठाई घर में आई थी, वो स्कंद है, उसका आधा हिस्सा मम्मी ने निकाल दिया, वो देश हो गया, और फिर चुपके से उस देश का भी हमने छोटा सा अंश निकाल लिया, वो प्रदेश हो गया, एकदम छोटा सा, एकदम कण, बारीक कण जैसा, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल का मतलब कंप्लीट वो फिट हो ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि पुराने लोग बहुत अच्छी बात करते थे, दृष्टांत भी एक देशीय होता है, बहुदेशीय नहीं होता। दृष्टांत भी संपूर्णतया किसी बात को नहीं कहता है, एग्जाम्पल संपूर्णतया किसी बात को नहीं कहता, केवल इस बात को
थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता है, याद रह सके हमको कि अच्छा इसका मतलब स्कंद मोटा कंप्लीट हिस्सा, देश छोटा जैसे धरती, धरती में एक संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसका एक हिस्सा है नॉर्थ कैरोलिना है, फिर उसमें भी एक जेना करके एक संस्था है, वो एक और छोटा प्रदेश हो गया है, फिर उसके अंदर भी एक अमित जी है जो सामने बैठे बात सुन रहे हैं, ऐसे छोटे 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 हिस्से करते जाएंगे हम। अब हम बात कर रहे हैं जीव तत्व की, अजीव तत्व के दो भेद समझ चुके हैं हम, रूपी अरूपी, और उसके वापस हम उनको भेद भी प्रभेद भी समझ चुके हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं जीव तत्व की, जो सबसे महत्वपूर्ण, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हम है, हम जीवन है, जीव है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये जीव तत्व क्या है, इसको इस सूत्र के अंदर 36वें अध्याय में दो भेदों में बताया गया, एक बताया सिद्ध, एक बताया संसार। एक तो सिद्ध हो गए, कंप्लीट हो गए, जिसका इस दुनिया में जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो चुका, इस जीवन में आने का जो उद्देश्य होता है, जीव का जो अपना वास्तविक स्वरूप होता है, उसने अपने स्वरूप को प्रकट कर लिया है, पूर्णता प्राप्त कर ली है, वो सिद्ध हो गया है। अब ऐसे सिद्ध का भी क्या कोई भेद होता है क्या? अब बड़े विचित्र बात है, जैन सूत्र जो है, मैंने पहले भी बात की थी, महावीर एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अध्यात्म को गणित की भाषा में समझाया, अध्यात्म को गणित की भाषा में समझाने वाले एक महावीर व्यक्ति हुए, महावीर ऐसे दार्शनिक हुए, इसीलिए जैन सूत्र है वो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज में है, वो कविता वाली लैंग्वेज में नहीं है, काव्यात्मक नहीं है, वो भक्तियात्मक नहीं है कि भक्ति में धारा में कोई प्रवाहित हो रहे हो, गीत हो, संगीत हो, ऐसा नहीं है, ये एकदम गणित की भाषा में है। इसीलिए जैसे जैसे आदमी विज्ञान की भाषा में सोचने में समृद्ध हुआ है, जैसे जैसे आदमी गणित की दिशा में बढ़ने लगा है, वैसे वैसे उनको जैन सूत्रों की जो महत्ता है, जैन सूत्र की उपयोगिता है, वो उनके लिए बहुत बढ़ गई। वो समझ पा रहे कि क्यों जैन सूत्र में सारी बातें आज से इतने सालों पहले, अब साइंस खोज रहा है कि नहीं, छाया भी एक तत्व है, प्रकाश भी एक तत्व है, अंधेरा भी एक तत्व है, ये सारी बातें पहले जैन सूत्रों में इतने हजारों सालों पहले लिखी जा चुकी है कि प्रकाश, धूप जिसको आतप बोल रहे हैं, जिसको अंधेरा बोल रहे हैं, जिसको छाया बोल रहे हैं, सभी पुद्गल के विविध रूप है, किन्हीं गजब बात है। खैर, पुद्गल के ऊपर जो काम करता है वो विज्ञान की भाषा में जाएगा, वो विज्ञान की गति प्राप्त करेगा, और जो अपने आप पे काम करेगा वो अध्यात्म में जाएगा, बस दो ही बातें हैं। जीव तत्व पे जो काम कर रहा है वो सिद्ध की अवस्था में तो पहुंचेगा, और अजीव तत्व पे जो काम कर रहा है वो वैज्ञानिक भाषा में पुद्गल आस्तिक है कि, और अलग अलग परफॉर्मेंस में, रूपों में वो उलझता जाएगा, उसमें गति करता जाएगा। अब अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं, सिद्ध, क्या सिद्ध के भी भेद होते हैं? हाँ, जैन सूत्रों में सिद्धों के भी 15 प्रकार के भेद बताए गए, 15 अपेक्षाओं से बताए गए। वो कैसे बताया? तीर्थ सिद्धा, अतीर्थ सिद्धा, तीर्थंकर सिद्धा, अतीर्थंकर सिद्धा, स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, बुद्ध बोधित, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग, गृहस्थ लिंग, अन्य लिंग, स्वलिंग सिद्धा, तो बताओ 15 प्रकार के भेद बता दिए गए। इसका मतलब क्या होता है? इनका मतलब ये होता है कि कोई जीव ऐसे है जो तीर्थ स्थापना के बाद, यानी तीर्थंकरों की मौजूदगी में, या उनकी वाणी, उनकी देशना जब प्रकट हो रही है, उसके बाद जो बौद्धत्व को उपलब्ध होकर के मुक्त हो रहे हैं, उनको तीर्थ सिद्धा कहा गया है। कुछ जीव ऐसे भी है जो तीर्थंकरों के बिना, बिना किसी वाणी देशना को उपलब्ध किए, बिना किसी प्रत्यक्ष सदगुरु की उपासना में पहुंचे, जो पहले ही तीर्थ प्रकट होने के पहले ही या तीर्थ विच्छेद हो जाने के बाद जो मुक्त हो रहे हैं, उनको अतीर्थ सिद्धा कहा गया है। तीर्थंकर सिद्धा, वे जीव जो तीर्थंकर होकर के सिद्ध हो रहे, भव्य जीवों में से भी कोई एक जीव होता है जो तीर्थंकर होते हैं, सारे जीव तीर्थंकर नहीं होते, जैसे हम बोलते हैं सारे स्टूडेंट्स कोई वापस टीचर नहीं होते, कोई वापस लेक्चरर नहीं होते, लेकिन कोई एक स्टूडेंट होता है जो उसमें से वापस स्टूडेंट के बनने के बाद में किसी दिन लेक्चरर बनता है, किसी दिन उसी विद्यापीठ में, उसी गुरुकुल में जिसमें कल तक वो छात्र था, आज गुरु हो गया है। तो ऐसे ही जो तीर्थंकर होकर के सिद्ध होते हैं वो तीर्थंकर सिद्ध है, और कोई अतीर्थंकर सिद्ध है, यानी तीर्थंकर नहीं होते बस सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे बहुत है जो अतीर्थंकर सिद्ध है, ऐसे थोड़े हैं जो तीर्थंकर सिद्ध है। तीर्थंकर सिद्ध उसको कहते हैं कि जो जान लेने के बाद भी रुका रहता है,
कि अभी रुको एक भाव और लूंगा। और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ज्ञान देना जरूरी है, जिन तक ये बात पहुंचानी जरूरी है, जिन तक मार्ग, जिनके लिए मार्ग बनाना जरूरी कि वो भी इस तत्व तक पहुंच सके। तो जो मार्ग बनाने के लिए रुक जाता है, जो गांठ बनाता है, वो तीर्थंकर कहलाता है, तीर्थ की करने वाला। और तीर्थ मतलब गांठ, गांठ बनाने वाला, कि जीव कैसे एक पार से दूसरे पार जा सके। वो एक पार क्या है? दिखलाई देने वाला जगत। दूसरा प्यार पार क्या है? वो जो देखने वालों का जगत। तो दिखलाई देने वाले से देखने वाले की अवस्था तक जाने के लिए कुछ टेक्निक से कुछ मार्ग बनाने होंगे, और हर युग में वो अलग अलग तरीके से बनाए जाएंगे, क्योंकि हर युग की में लोग जहाँ खड़े हैं वो पॉइंट अलग हो गया है। अब जिस पॉइंट पे वो खड़े उस पॉइंट से वो कैसे अपने भीतर जा सके। हम अपने ही शरीर की अगर बात करें, तो अगर शरीर को हम एक तीर्थ माने, तो हम इस शरीर के तीर्थ में भी हर युग में एक ही पॉइंट पे नहीं रहते। जैसे आज का जो युग है उसमें आज मोस्टली सारे लोगों की जो चेतना है वो सिर की तरफ ज्यादा है। हम लोग जिस सेंटर पे सबसे ज्यादा हमारा इस समय मौजूदगी रहती है वो है ब्रेन, माइंड, सिर। 24 आवर्स हमारी खोपड़ी चालू रहती है। अब हमारी जो बीमारी हो गई है वो ये कल फूट जाए, ये मशीनरी है जो सदा कल में जीती है। अब इस कल में जीने वाली मशीनरी को सत्य में, वर्तमान में लाने के लिए अब जो टेक्निक्स चाहिए वो डिफरेंट है। अब पहले जमाना था, आज से हम पीछे जाएं 4,000-5,000 साल पहले या 2500-2700 साल पहले, तब आदमी का जो रहने का स्थान था हो सकता है वो यहाँ ज्यादा नहीं था, ब्रेन में ज्यादा नहीं रहते थे। कोई जमाना था जब लोग दिल से ज्यादा जीते थे। अभी पे मन बात करते हैं 500-700 साल पहले लोग कितने दिल से जीते थे, वो दिल से सारे संबंधों को जीते थे, वो लाभ हानि में नहीं सोचते थे, बस उनका दिल आ गया वो उस चीज को जिए। और पीछे जाए, आदिम आदमी था वो नाभि से जीता था। जैसे हम आदिनाथ भगवान की बात करते हैं, उसके युग की बात करते हैं, तो आदिनाथ का तो जन्म ही नाभि से हुआ। अब उनके पिता को नाभि नाम दिया गया, माता को मरु नाम दिया गया। ये सब एक पुराण है, मिथ है, जो ये बता रही है कि आदि जो है वो उस समय पैदा हो रहे जब नाभि चक्र पे लोग गति कर रहे हैं। और नाभि में वो कैसे उलझे हुए हैं, नाभि चक्र की क्या उलझने हैं, वो उलझने बिल्कुल डिफरेंट है। वो मरुदेवी बता सकती है, मरुदेवी का जीवन बता रहा है कि नाभि चक्र की सारी उलझने ममता से, मोह से जुड़ी हुई है, मेरेपन का फैलाव से जुड़ी हुई है। और अब उस समय में आदिनाथ जब ज्ञान दे रहे हैं तो उस युग के लोग डिफरेंट है, उनकी प्रॉब्लम डिफरेंट है। वो युग के, वो अपने तीर्थ के किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं, उस पॉइंट से उनको पार कैसे लेके जाना है, तो नाभि से पार कैसे लेके जाना है वो आदिनाथ जानते हैं। इसीलिए वो अपने युग के तीर्थंकर हुए। लेकिन अगर वही तीर्थंकर से सबको ज्ञान मिल जाता और सबकी समस्याओं का समाधान हो जाता तो दूसरे तीर्थंकर को आने की जरूरत ही क्या थी। दूसरा तीर्थंकर क्यों आया? क्योंकि समय बदल गया है। अब जो समय चेतना है वो बदल गई है, अब लोगों की समस्याओं का स्थान बदल गया है। अब समस्याओं का स्थान बदल गया तो अजितनाथ को आना पड़ा। ऐसे अजितनाथ चले गए, उनके द्वारा दिए गए बोध से बहुत लोग मुक्त हो गए। अतीर्थ सिद्धा, तीर्थंकर सिद्धा, अतीर्थंकर सिद्धा, सिद्ध होते जा रहे। लेकिन फिर एक स्थिति आ गई है कि अब सिद्ध होने बंद हो गए हैं, क्योंकि अब सब नक्शे तो पकड़ लिए लेकिन नक्शों पे चलने का यात्रा कैसे करनी वो उनको पता ही नहीं। जैसे आज हमारे हाथ में महावीर की वाणी के कुछ नक्शे तो है लेकिन नक्शों पे यात्रा कैसे करनी वो हमें पता ही नहीं। क्यों पता नहीं है? क्योंकि वो जो नक्शे है आज हमारे लिए देखे तो वो 2600 साल पुराने हो चुके हैं। अब 2600 साल पुराने नक्शे पे आज हम कैसे चलेंगे? आज हम बात करें अगर 600 साल पुराना किसी आदमी ने हमें कोई एक स्थान पे जाने का, जैसे अमेरिका से भारत जब आदमी आया था, वास्को डी गामा आया था, उस समय का नक्शा कोई हमें दे दे और हमें बोले आज उस नक्शे के अनुसार आप अमेरिका से भारत आ जाओ, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ फोड़ लेंगे, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। जगह जगह वो रास्ता तो ब्लॉक हो चुका, खत्म हो चुके, नए रास्ते बन गए, पुराने रास्ते गायब हो गए। अब उन नक्शों पर कैसे चल सकते? अब हमें आज के नक्शे यूज करने होंगे और आज के नक्शे कौन बता रहा है? वो GPS हमें बता रहा है। तो जिसके पास GPS अवेलेबल है वो क्यों पुराने नक्शे पे जाएगा? तो हर युग में नक्शे बदल जाते हैं, इसलिए हर युग के तीर्थंकर दूसरे होते हैं और हर तीर्थंकर शाश्वत सत्य की नई अभिव्यक्ति करता है, नई उद्घोषणाएं करता है,
नई विधियां देता है, नई टेक्निक्स देता है जिससे लोग मुक्त हो सके। तो इसीलिए सिद्धों के भी भेद बताए, तीर्थ सिद्धा, अतीर्थ सिद्धा, तीर्थंकर सिद्धा, अतीर्थंकर सिद्धा। फिर कुछ तीर्थ, कुछ सिद्ध ऐसे होते हैं, अब बोधि की दृष्टि से देखे तो कुछ लोगों को स्वयं से ही बोधि हो जाती है, उनको बोध देने के लिए कोई गुरु नहीं पहुंचता उनकी लाइफ में, बस भीतर में ही कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि वो बोध की अवस्था तक आ जाता है, उनको स्वयं संबुद्ध कहते हैं। कुछ होते हैं जो किसी के द्वारा वाणी सुन करके, कोई दृष्टांत पा करके मुक्त होते हैं, बुद्ध होते हैं। तो जो कोई दृष्टांत से होते हैं उनको प्रत्येक बुद्ध कहा, और जो किसी और बुद्ध पुरुष के पास या उनकी वाणी सुन करके होते हैं उनको बुद्ध बोधित कहा। तो बुद्ध बोधित सिद्ध भी होते हैं, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध भी होते हैं। प्रत्येक बुद्ध का मतलब होता है उनके जीवन में बस कोई घटना घटी और उस घटना के साथ उनके भीतर में कोई दृष्टि प्रकट हो गई। जैसे प्रत्येक बुद्ध की बात आती है तो एक ऐसा राजा हुआ जिसने देखा कल तक ये आम का पेड़ भरा पूरा था, कल जब रास्ते से गुजरा था उसने पेड़ पे बहुत सारे आम लदे हुए देखे थे, और आज वो उसी रास्ते से जा रहा, उसी पेड़ के नीचे से गुजर रहा है तो देख रहा है कि सारे आम तो जा चुके हैं, रात भर में कोई लोग आम तोड़ के ले गए होंगे, गुजरते सारे लोगों ने आम निकाल लिए होंगे, अब वो पेड़ रूखा सूखा छूट पड़ा हुआ है। बस उसको देख करके उनके भीतर विचार आता है क्या जीवन ऐसा है, कल तक ये पेड़ इतना आकर्षित कर रहा था और आज ये पेड़, इसका सारा आकर्षण खत्म हो गया, बस एक छोटी सी घटना और जीवन बदल गया। आज कैसे रोज घटनाएं घटती है, कितने लोगों के लाइफ में रोज ब्रेकअप्स होते हैं। कल तक वो लड़की जो तुम्हारे लिए मर रही थी आज वो लड़की तुम्हारी तरफ देखने को भी राजी नहीं है, बस इतनी सी घटना। इतनी घटना में कोई मुक्त भी हो सकता है, प्रत्येक बुद्ध भी हो सकता है, और कोई कह सकता है चल जा यार तेरे जैसी अनेकों देखी और आएगी और क्या। तो प्रत्येक बुद्ध कोई भी घटना को दृष्टांत से, किसी के भीतर वैराग्य हो सकता है, और आज हम इतनी मोटी चमड़ी वाले हो गए कि ऐसी अनेकों घटनाएं रोज घटती है। कितना आकर्षण विकर्षण की दुनिया में हम रहते हैं लेकिन किसी के भीतर कुछ भी प्रकट नहीं होता। खैर, प्रत्येक बुद्ध बुद्ध बोधित। फिर बताया स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसकलिंग तीनों सिद्ध हो सकते हैं। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी जैनों का एक बड़ा समुदाय ये मानता है कि स्त्री को मोक्ष नहीं होता। हाँ, लेकिन यही जैन सूत्र इसी 36वें अध्याय में स्पष्ट लिखा हुआ है, एक ही समय के अंदर, एक समय, समय मतलब टाइम का एकदम माइन्यूट हिस्सा जिसको अपन बोलते हैं, एक पलक झपके उतने में असंख्य समय बीत जाते हैं। तो एक ही समय के अंदर में 20 स्त्री मुक्त हो सकती है, 10 नपुंसक मुक्त हो सकते हैं, 108 पुरुष मुक्त हो सकते हैं। इसका सारा जिक्र इस अध्याय के अंदर है कि स्त्रियां मुक्त हो सकती है, नपुंसक भी सिद्ध हो सकता है, स्त्री भी सिद्ध हो सकती है, पुरुष भी सिद्ध हो सकते हैं, तीनों सिद्ध हो सकते हैं। सिद्ध होने के लिए कोई भेद नहीं है। कषाय मुक्ति किल रेव मुक्ति, बस भीतर के कषाय से मुक्त हो गए तो आप मुक्त हो जाओगे, अपने स्वभाव को जान लिया उसमें कंप्लीटली उपस्थित हो गए तो मुक्त हो गए, सिद्ध हो गए। इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आप स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो। तो कोई ऐसा मानता है ओ मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो धार्मिक नहीं हो सकती, ओ मैं तो जैन धर्म में आगे मुक्त नहीं हो सकती, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम जैन सूत्र कह रहे हैं सभी मुक्त हो सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात इस सूत्र में जो आती है वो यह है कि ये सूत्र कह रहे हैं सिद्ध जलाशय में सिद्ध हो सकते हैं, नदियों में सिद्ध हो सकते हैं, समुद्र में सिद्ध हो सकते हैं, जंगलों में सिद्ध हो सकते हैं, पहाड़ों में, कहीं से भी सिद्ध हो सकते हैं। कोई ये सोचता है अरे समुद्र के पानी को टच कर दिया तो बहुत सारा, सारे समुद्र का पाप लग गया, अब तो इतने सारे कर्म बंध गए, तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगी कि इस सारी धारणाओं से बाहर आओ, इस समुद्र के अंदर मौजूद व्यक्ति भी सिद्ध हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि समुद्र हमारे चारों ओर है, हमारे भीतर क्या है वो महत्व रखता है, हमारे भीतर क्या चल रहा है वो महत्व रखता है। शरीर कहाँ बैठा है ये कोई महत्व नहीं रखता है, ये समुद्र में बैठा है, नदी में बैठा है, या पर्वतों में बैठा है, महत्व रखता है हमारे भीतर क्या हो रहा है। और हम सब लोग भीतर क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान ना दे करके बाहर किसको टच हो गया, बस समुद्र को टच हो गया तो दुनिया भर का पाप लग गया, ऐसी धारणा हमारे दिमाग में बैठा दी गई है। क्या पाप का संबंध किसी को टच करने से है? नहीं, पाप का संबंध भीतर में मौजूद टच से है, भीतर मौजूद है टच, कि बस हमने इतना पकड़ लिया है चीजों को, धारणाओं को, और ऐसी ऐसी धारणाओं को जो बिल्कुल अवैज्ञानिक है, और इस वैज्ञानिक धर्म के भीतर इतनी अवैज्ञानिक धारणाएं पलती है, उसको देख करके कई बार मन को ऐसा होता है कि क्यों जैन धर्म का सत्यानाश कर दिया गया, क्यों लोगों ने ऐसी ऐसी बातों में आदमियों को उलझा दिया कि बस वो पूरी जिंदगी आदमी पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप से बाहर ही नहीं आ पाता,
जबकि पुण्य और पाप को तो तत्व तक भी नहीं बताया गया। जब हम आगे कभी तत्वार सूत्र पे बात करेंगे तो इतनी हैरानी होगी कि पुण्य और पाप को तो तत्व भी नहीं बताया गया। इट इज नॉट एक्चुअली एलिमेंट, ये केवल कल्पनाओं धारणाओं के अंदर इतना भर दिया गया हमारे दिमाग के अंदर में कि बस पूरा जो जैन समाज है वो जैन धर्म के नाम पे पुण्य और पाप की श्रृंखलाओं में ऐसे जैसे, क्योंकि वो और क्यों है इसका कारण भी है। विराट गुरु जी बहुत मजेदार कारण बताते थे। विराट गुरु जी कहते थे कि ये जो जैन धर्म था एक्चुअल में तो क्षत्रियों के पास था, क्षत्रियों की सोच तो डिफरेंट थी, अब ये आ गया बनियों के पास में। अब बनिया सुबह से लेकर रात तक केवल प्रॉफिट एंड लॉस ही सोचता रहता है। बनिए का माइंड सेट ही ऐसा है कि बड़ी वृत्ति वाला बिजनेसमैन आदमी है उसको सपने में भी केवल पे एंड अकाउंट ही दिखता होगा प्रॉफिट एंड लॉस ही दिखता होगा। एक बनिया मर गया, यमदूत के पास में पहुंचा, यमराज के पास में यमदूत लेके गया। अरे भाई ये यमदूत हैरान हो रहा है इस बनिया को डालने का, इसने पुण्य और पाप दोनों इक्वल कर लिए, तो इसको स्वर्ग भेजे कि नरक भेजे। तो यमदूत को समझ में नहीं आया तो यमराज के पास लेके गए। यमराज से पूछते भाई आप इसका हिसाब किताब बताओ, इसको कहाँ भेजा जाए, क्योंकि बनिया इतना शातिर है कि उसने पूरी जिंदगी में जितना पुण्य किया उतना पाप किया, जितना पाप किया उतना पुण्य किया, हमें समझ ही नहीं आ रहा इसको स्वर्ग में डाला जाए कि नरक में डाला जाए। यमराज देखा सिंपल सी बात है, अपने को नहीं समझ में आ रहा, इसी से पूछ लो, इस बनिया सेठ से पूछ लो बनिया तू कहाँ जाना चाहता है, तो कोई नरक में भेजे कि स्वर्ग में, क्योंकि तूने दोनों बराबर अकाउंट रखे हैं, तो कहाँ भेजे तेरे को। बनिया बोलते हैं हुजूर क्या सोचते हो, आपको इतना सोचने की क्या जरूरत है, मैं बनिया हूँ, सिंपल सी बात है, 2 रुपए का फायदा जहाँ होता है उधर भेज दो। अगर 2 रुपए का फायदा नरक में होता है तो नरक भी चलेगा, क्योंकि मेरे लिए तो 2 रुपए का फायदा महत्वपूर्ण बात है। तो क्या हो गया, बनियों के हाथ में जैन धर्म है ना, मोस्टली सारे जैन लोग जो आज है, आप राजपूत लोग तो क्षत्रिय लोगों तो देखने को नहीं मिल रहे इसके अंदर, कौन से लोग मिल रहे, बड़ी कॉम जो मिल रही बिजनेसमैन कॉम है, और इसकी दिमाग क्या चलता है, हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करने का, खुद को सिक्योर करने का, प्रॉफिट बनाए रखने का, फ्यूचर सिक्योर करने का। तो बस वो जैन धर्म को भी उन्होंने उसी तरह से परिभाषित कर दिया, इसलिए पूरा फोकस उन्होंने पुण्य पाप पे लगा दिया है कि कैसे सिक्योर हो जाए, कैसे पाप ना लगे और पुण्य कैसे बढ़ जाए, बस यही गड़बड़ हो गई। और इसलिए क्या क्या आप धारणाएं पैदा करती, क्या क्या बातें पैदा करती, सोच सोच के कभी देखते हो तो ऐसा लगता है हम सबको कहाँ जकड़ दिया। जो मुक्ति वाला धर्म है, इस मुक्ति वाले धर्म ने सबको धारणाओं में इतना बांध रखा है कि सब अपनी धारणाओं के बाहर देखने को ही तैयार नहीं है। और धर्म ही कह रहा है कि भाई मुक्ति है ही तभी जब धारणाएं छोड़ो, सारी मान्यताएं छोड़ो। जैन का मतलब ही जो कोई मान ही नहीं रहा, जो जानने की यात्रा पर है वो जैन है। लेकिन यहाँ तो हर कोई अपनी अपनी मान्यताओं में इतना बंधा हुआ है कि जैन समाज में जैन देखना ही मुश्किल है। जैन समाज में किसी जैन का पाना, किसी जैन को प्राप्त कर पाना कि जैनी है बहुत मुश्किल है। इट्स रेयर टू रेयर कि हमें जैन समाज में कोई जैन मिल जाए। मैं साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों के लिए कह रही हूँ, क्यों, क्योंकि हम सब मान्यताओं के गुलाम हो गए, सब छोटी छोटी मान्यता लेकर के बैठ गए, कोई वैज्ञानिक बुद्धि वाला ही नहीं बचा। और जैन धर्म तो और वैज्ञानिक बुद्धि, वैज्ञानिक का मतलब होता है जो मानेगा नहीं, जो खुद जानेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा, और एक्सपीरियंस के आधार पर जो बात करेगा, दैट्स वैज्ञानिक, वो वैज्ञानिक धर्म जैन धर्म है। किसी समय में ऐसे लोग थे, आज भी ऐसे कोई लोग है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो एक्चुअली जैन धर्म की इस प्रचलित परंपरा और धारणा और शाखाओं में तो मिलेंगे नहीं। जो एक्चुअल ऐसे लोग हैं वो किसी मंदिर मस्जिद स्थानों को और उपाश्रम में तो बंधे हुए मिलेंगे नहीं, आई थिंक सो। वो शायद कहीं अपने भीतर खोज कर रहे होंगे, जंगलों में, गुफाओं में कहीं बैठ करके, अथवा जीवन के किसी कर्म क्षेत्र में खड़े होकर के जागरूक होकर के जिंदगी जी रहे होंगे, वो शायद इस जैन धर्म को उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि जैन एक संज्ञा है, एक विशेषण है जो भीतर की एक अवस्था से प्रकट होती है, ये कोई पैदाइशी धर्म नहीं है। मान लिया गया है कि हम पैदा हो गए जैन कुल में इसलिए हम जैन ही हो गए, तो ये सब गड़बड़ बातें हैं, क्योंकि जैन का पैदा होने से कोई संबंध ही नहीं है। जैसे पैदा होने से कोई इंजीनियर के घर में पैदा होने से कोई इंजीनियर नहीं हो जाता है, डॉक्टर के घर में पैदा होने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता है, ऐसी कोई जो सोचे कि भाई हमारे माँ बाप जैन लगाते थे हम भी पैदा हो गए तो जैन हो गए, तो गड़बड़ बात है। हम बात कर रहे हैं सिद्धों की। सिद्ध किस तरह से हो सकते हैं, सिद्ध कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, और बताया स्त्री पुरुष नपुंसक हो सकते हैं, स्वलिंग अन्यलिंग गृहस्थलिंग हो सकते हैं, यानी घर में रहता हुआ व्यक्ति भी सिद्ध हो सकता है, गृहस्थलिंग सिद्धा। अन्यलिंग सिद्धा का मतलब है कोई किसी भी वेशभूषा में है, किसी भी धर्म समुदाय को फॉलो कर रहा है, कोई लाल कपड़ा धारी है, भगवा कपड़ा धारी है, काला कपड़ा धारी है, नीला कपड़ा धारी है, कैसे भी फर्क नहीं पड़ता उसके लिए, वो उस अवस्था से भी सिद्ध हो सकता है, और कोई स्वलिंग में भी सिद्ध हो सकता है। और बताया कि जो सिद्ध होने वाले जीव है
वो एक समय में कितने सिद्ध हो सकते हैं, किस तरह से सिद्ध हो सकते हैं, लोक के कौन से स्थान से सिद्ध हो सकते हैं? तो बताया ऊर्ध्व लोक से भी सिद्ध हो सकते हैं, मध्य लोक से भी सिद्ध हो सकते हैं, और अधो लोक से भी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन सिद्ध कौन होता है? मनुष्य गति का जीव। ये सारे मनुष्य जो ऊर्ध्व लोक में भी कोई मनुष्य मौजूद है, मध्य लोक में भी मौजूद है, अधोलोक में भी मौजूद है, अधोलोक में भी ऐसे क्षेत्र है जहाँ मनुष्य रहते हैं, वहां से भी कोई जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। ये हुई सिद्धों की बात, थोड़ी सी, पूरी नहीं। पूरी बात करने जाएंगे तो एक चैप्टर ही बहुत लंबा हो जाएगा। फिर हम बात करें संसारिक जीवों की। संसारिक जीवों के वापस इन्होंने चार वेद बताए, चार वेद को छोड़े पहले दो वेद बताए हैं, त्रस और स्थावर। मोटा मोटी संसार के सारे जीवों को दो वेदों में बांटा गया है, स्थावर और त्रस। स्थावर का मतलब है जो स्वेच्छा गति नहीं कर सकते, गति तो सर्वत्र है लेकिन जो स्वेच्छा से गति नहीं कर सकते हैं, स्थिर स्थिर होना, जैसे हम बोलते हैं पहाड़, पर्वत, पत्थर, नहीं पृथ्वी काय, तो पृथ्वी काय को स्थावर बताया गया है। इसी तरह से अप काय को स्थावर बताया गया है, और इसी से वनस्पति काय को स्थावर बताया गया है कि पृथ्वी है, पानी है, वनस्पति है, ये चाह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति नहीं कर सकते। जैसे कोई पेड़ को लगे, अरे बहुत ठंडी लग रही है इन पेड़ों को, मैं थोड़ा गर्म इलाकों में चला जाऊं, या बहुत गर्मी लग रही है कहीं छांव में चला जाऊं, तो पेड़ नहीं जा सकते, वृक्ष वनस्पतियां इस तरह से स्वेच्छा से गति नहीं कर सकते, इसीलिए इनको स्थावर बताया गया। अप काय को भी, यानी पानी को भी और पृथ्वी काय को भी। फिर इनके भी वापस भेद उपभेद बताए गए हैं कि ये जो तीनों है स्थावर, इन तीनों के अंदर सूक्ष्म, बादर, अपर्याप्त, पर्याप्त, अनेक तरह के भेद होते हैं। फिर इनकी बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे पृथ्वी में हम देखते हैं तो सोना, चांदी, ये भी पृथ्वी है, और ये जो पहाड़ पर्वत है ये भी सब पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अनेक तरह के रूप है, जिसमें हीरा, रत्न, माणिक, जवाहरात, ये भी सब पृथ्वी है, कंकर, पत्थर, ये सब भी पृथ्वी है। पृथ्वी के भी इतने सारे रूप है, और इनकी उम्र कितनी होती है? तो बताया ये जगन्य भी जन्म ले तो अंतर मौरत की अवस्था, और उत्कृष्ट है तो 22,000 वर्ष तक कोई एक पत्थर के रूप में, कोई एक पृथ्वी काय के रूप में रह सकता है। ये एक जीव की अपेक्षा बताया कि एक जीव अगर पृथ्वी के अंदर जन्म लेते हैं और वो पृथ्वी के रूप में रहे तो हाईएस्ट 22,000 वर्ष तक रह सकता है। जैसे हम पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों की भी, हर पहाड़ों की उम्र है, लेकिन ये जो पहाड़ों की उम्र है वो एक जीव की अपेक्षा से बात नहीं कर रहे हैं। एक जीव की अपेक्षा से बात करें तो 22,000 वर्ष की होगी, लेकिन ये तो प्रवाह है। इस एक पहाड़ के अंदर जो पृथ्वी रूप जीवन है, ये पृथ्वी रूप जीवन सतत आ रहा है, जा रहा है, सतत गति कर रहा है। इसके अंदर कितने जीव पैदा हो रहे हैं, कितने जीव मर रहे हैं, एवरी मोमेंट जीव पैदा भी हो रहे हैं, जीव मर भी रहे हैं। तो ये पृथ्वी काय का जीवन के लिए बताया गया 22,000 वर्ष। ऐसे पानी के जीवन की स्थिति बताई गई है 7,000 वर्ष, वनस्पति के जीवन की स्थिति 10,000 वर्ष बताई गई है। ये स्थावर जीवों की बात है। अब है त्रस जीवों की बात। त्रस जीवों के वापस दो भेद किए गए हैं, एक वो जो गति त्रस है और एक वो उदार त्रस है। अब तेरु काय और वायु काय को इस 36वें अध्याय के अंदर में त्रस काय के रूप में लिया गया है, कई एक स्थानों पर तेहु और वायु को स्थावर के रूप में लिया गया है। लेकिन इस उत्तरायण के 36वें अध्याय में तेहु यानी अग्नि को और वायु यानी हवा के जीवों को त्रस के रूप में लिया गया, क्योंकि अग्नि भी सतत गति करती हुई दिखाई दे रही है, उसी हुई, और वायु सतत बहती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इनको भी त्रस बता दिया गया है। बाकी त्रस के दूसरे जो रूप बताए गए उसके अंदर वापस चार भेद है। कौन कौन से? नरक, देवता, मनुष्य और नरक, तिर्यंच, देवता और मनुष्य, ये चारों त्रस के रूप में है। अब नरक के जीवों का भी वर्णन इसके अंदर की नरक कितनी है, 7 प्रकार की नरक है, उनकी आयु स्थिति कितनी है उसका भी सारा वर्णन है। कम से कम 10,000 वर्ष उत्कृष्ट 33 सागरोपम है। देवताओं की भी जगन स्थिति 10,000 वर्ष उत्कृष्ट 33 सागरोपम है। फिर हर देवलोक की अलग अलग बताई गई है, भवनपति, मानवंतर, ज्योतिष, वैमानिक, चार जात के देवता होते हैं। इन चारों के फिर अलग अलग बहुत सारे उपवेद है, उन सब का वर्णन इस अध्याय के अंदर है। फिर मनुष्यों के भी दो भेद बताए, तीन भेद बताए गए हैं, गर्भज मनुष्य, समूर्च्छ मनुष्य और अंतर्द्वीपज मनुष्य। पशु तिर्यंच योनि के भी दो भेद बताए गए हैं, एक वो तिर्यंच जो समूर्च्छम तिर्यंच है, एक वो तिर्यंच जो पंचेंद्र तिर्यंच है। और जो पंचेंद्र तिर्यंच है उसके वापस पांच भेद बताए गए हैं, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर। इस तरह से पूरा जो अध्ययन है, ये जीव विचार जो किया जा रहा है, इसके अंदर इतने सारे भेद प्रभेद बताए गए हैं। इसका एक अलग से हम जो सीखना चाहते हैं वो इस चार्ट के माध्यम से, जो भी स्क्रीन पर शो हो रहा है उसके माध्यम से, अथवा और भी कोई क्लासेस के माध्यम से सीख सकता है। ये सारा जीव विचार इसके अंदर बताया गया है।
ये इस उत्तराध्याय के 36वें अध्याय का एक पार्ट हुआ, जिस पार्ट के अंदर में जीव और अजीव का विस्तार से वर्णन मिलता है, उनकी गति, उनकी स्थिति, वो क्षेत्र से लोक के कौन से क्षेत्र को घेरे हुए हैं, काल से उनका क्या उम्र रहती है, और एक स्थान से च्युत होकर वापस उसी स्थान पर आने में उनको कितना समय लग सकता है, ये सारा वर्णन इस अध्याय के अंदर है। और भाव से बताया गया है कि सभी जीवों के भाव कितने विविध विविध प्रकार के होते हैं, और इसी कारण से सभी लोग विविध विविध गति और योनियों में जन्म मरण किया करते हैं। ये एक पार्ट हुआ उत्तरायण सूत्र के 36वें अध्याय का। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जो 250 गाथाओं के बाद में आता है, जिसके अंदर वर्णन किया गया है कि जो संयमी साधु है, जिसने जीव और अजीव को समझ लिया है। अब जीव और अजीव को समझने का मतलब अभी जिस तरह से हम समझ रहे हैं उसको हम समझना नहीं कहते हैं, इसको तो हम केवल परिचय प्राप्त करना कहते हैं। सुनने से केवल परिचय हो रहा है, समझना कहते हैं अनुभव से। अनुभव कब होता है? जो कोई व्यक्ति अपने भीतर ध्यान करता हुआ अपने इस पुद्गलास्थि का यानी शरीर के भीतर मौजूद अपने जीव की तरफ गति करता है। क्योंकि हम कहाँ है, जैसे ड्राइवर कार में बैठा है, अब ड्राइवर कार को अगर अपना शरीर समझ ले तो गड़बड़ हो जाएगा, कार को अपनी निजता समझ ले, निज रूप समझ ले तो गड़बड़ होगा, क्योंकि वो कार में बैठा, लेकिन वो कार नहीं है, वो ड्राइवर है। ऐसे हम शरीर रूपी कार में बैठे हुए ड्राइवर है। जब हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं इसके अंदर कि हम इसमें कहाँ हैं, कैसे हैं, जब हम अपना अपने आप को एक्सप्लोर करके खुद को ही समझ लेते हैं, खुद को जी लेते हैं, तब हमें समझ अनुभव से समझ आ जाता है कि मैं जीव हूं और ये अजीव है। ये भेद विज्ञान है। जिस व्यक्ति को अनुभव से समझ आ गया कि मैं जीव हूँ और ये अजीव है, वो भेद विज्ञान को उपलब्ध हुआ। जो भेद विज्ञान को उपलब्ध हुआ बस वही संयमी है, बाकी कोई संयम के नाम पर नियमों में तो जी रहे हैं पर एक्चुअल संयम उनको उपलब्ध ही नहीं हुआ। एक्चुअल संयम उसको उपलब्ध होता है जिसको भेद विज्ञान प्रकट हो गया, वह संयमी है। भेद विज्ञान जगियो जिनके गट, शीतल चित्त भयो जिम चंदन, केली करे शिव मारग में, जग माहि जिनेश्वर के लघु नंदन। कवि सुंदरदास जी हुए जिन्होंने बताया संयमी साधुओं के लक्षण बताते हुए कि भेद विज्ञान जगियो जिनके गट में भेद विज्ञान पैदा हो गया। वो कैसे पैदा होगा? हम अपनी दृष्टि को दिखने वाले जगत की बजाय देखने वाले की तरफ ले जाएं, ये रास्ता है। पुद्गल की बजाय आत्मा में ले जाए, लेकिन पुद्गल के माध्यम से ही जा रहे हैं, क्योंकि हम बैठे तो शरीर में ही है, शरीर पुद्गल है, इसी में मौजूद है वह तत्व जिसको जीवन कहा गया है, और यही हमारे सबसे निकट तत्व है। बस हम इसकी तरफ दृष्टि ले जाएं तो जिसके भीतर भेद विज्ञान प्रकट हो वो संयमी है। अब ऐसा जो संयमी साधु है, जिसने ये भेद विज्ञान के द्वारा जान लिया मैं जीवन हूँ और ये शरीर है, तो उसको जब इस शरीर को छोड़ने जाना होगा, शरीर को छोड़ने का समय आएगा, तो वो कैसे जाएगा? उसका नाम है संलेखना संथारा। संलेखना संथारा कौन कर पा रहा है? जिसको अपने अनुभव से समझ आ गया है कि अब यह जो ड्राइवर है उसको समझ आ गया कि अब ये कार का टाइम पीरियड पूरा हो गया है, अब इस कार से मुझे मूव करना है, कार से अलग हटना है। तो जिसको कार से अलग हटना है वो कैसे हटेगा? जो जागृत है उसके हटने का तरीका डिफरेंट है, और जो अजागृत है वो तो जबरदस्ती छीना जाएगा उससे कार, उसको जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। जो कार के साथ ही चिपक गया है, जो चिपक गया है उसको निकालना बहुत मुश्किल है। जो पहले से चिपका हुआ नहीं है वो तो खुद ही छूट जाएगा, वो तो मुक्त हो जाएगा। तो अब मृत्यु की बात यहाँ पे आती है, संलेखना और संथारा की। तो जो संयमी साधु है यानी भेद विज्ञान जिसके भीतर आ गया है, वह जब ये जान लेता है कि अब मृत्यु का समय नजदीक आ गया है, तो वो अपनी मृत्यु को 12 वर्ष पहले जान करके 12 वर्ष पहले से ही संलेखना और संथारा की प्रक्रिया शुरू कर देता है। और संलेखना संथारा की प्रक्रिया में वो क्या करता है? वो जागृति पूर्वक अपने आप को शरीर के विविध बिंदुओं से अपने आप की चेतना को हटाना शुरू करता है। तब वो अन्नमय कोश से अपनी यात्रा को प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की तरफ गति करता हुआ वह अपने शरीर के अलग 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 केंद्रों से कैसे हटे, तो उसके लिए बताया पहले 4 वर्ष की साधना कैसी होगी, दूसरे 4 वर्ष की कैसी होगी, और तीसरे 4 वर्ष की कैसे होगी। चार 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 के तीन आयामों में, तीन भेदों में वो 12 वर्ष की साधना करता है। अब 12 वर्ष की साधना की भीतर की स्थितियां क्या होगी, पूरी विधियां क्या होगी, वो इस अध्याय में नहीं है। और बड़ी गजब की बात है, अंतगढ़ दशांग हो या उत्तरायण सूत्र हो, तपस्या का केवल एक बाहरी रूप तो बता दिया गया कि उपवास में रहेगा, विगय त्याग करेगा, आयंबिल आदि करेगा, ये तो केवल एक भेद बताया। एक्चुअल जो भीतर क्या होगा वो किताबों में नहीं लिखा है, लिखा ही नहीं जा सकता। वो तो कोई कोई शिष्य को गुरु देता है या कोई कोई साधकों को अपनी आत्मदृष्टि से, अपनी अंतर्दृष्टि से वो चीजें खुद प्रकट हो जाती है।
और वो उस तरह से यात्रा करते हैं। ये बातें सूत्रों में नहीं लिखी जाती है, इसीलिए सूत्रों को समझना कि सूत्रों में भी वो बातें तो लिख दी गई मोटा मोटी, लेकिन भीतर की गति की जो बातें हैं वो आपको अपने अनुभवी गुरु के सानिध्य से ही ज्ञान प्राप्त होगा, या आपको अपनी खुद की ईमानदारी से, खुद की सजगता से, अप्रमत्त अवस्था से, खुद के भीतर से ही प्रकट होगा कि इस क्षण मुझे अब मृत्यु की तैयारी कैसे करनी है। दोनों बातें हैं। आपको नई मृत्यु की तैयारी करनी आती तो आप अनुभवी गुरु से प्राप्त कर सकते हो, और अगर आपको अनुभवी गुरु नहीं मिला है और आपको मृत्यु की तैयारी करनी है तो अपने भीतर की यात्रा में, भीतर की सजगता से वो सारी यात्रा के पथ बना सकते हो। ये 12 वर्षों की साधना का छोटा सा जिक्र इसके अंदर किया गया है उत्तरार्ध के 36वें अध्याय में, कि 12 वर्ष की संलग्न संधारा की साधना कैसे होती है। अब सपोज किसी को 12 वर्ष वाले की आवश्यकता नहीं हो, कहते मैं 6 महीने पहले तैयारी कर लूंगा मरने की, हाँ तो वो 6 महीने की साधना कर सकता है। तो जगन्या तो अंतर मुहूर्त में भी कर सकता है, उसी दिन भी कर सकता है, कुछ दिनों की भी कर सकता है, मध्यम 6 महीने की कर सकता है, 10-12 वर्षों की कर सकता है। 3 प्रकार की अवधियां बताई गई है संलेखना संधारा की। कुल मिला के मृत्यु की तैयारी, मरना निश्चित है लेकिन प्रिपरेशन के साथ, तैयारी के साथ। वो कैसे तैयारी करना, वो 36वें अध्याय के अंदर कुछ गुप्त संकेत दिए गए, बहुत विस्तार से नहीं, थोड़ा सा संकेतों में दिया गया है, लेकिन और इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसी अध्याय के अंदर। वो यह है कि इसमें ये बताया गया है कि जो साधक है वो 5 प्रकार की भावनाओं से बचे। अगर 5 प्रकार की भावना उसके अंदर रह गई है तो वो मिथ्या में जाकर के निदान ग्रस्त होकर के अपनी दुर्गति बना लेगा और वीराधक हो जाएगा, आराधक नहीं होगा। वो 5 प्रकार की भावना कौन सी बताई गई है, उसमें पहली है कांदर्पिक भावना, कंदप्पम माभि ओगम किब्बिसियम आसुरत्तम च। कांदर्पिक भावना, कांदर्पिक का मतलब होता है कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़ा मजा आता है दूसरों को हंसाने में, कुछ चेष्टाएं करने में, विकथाएं करने में, मिमिक्री करने में, नाटक करने में, तरह तरह के एक्टिंग्स करने में। तो जो इस तरह की सोच दृष्टि और जीवन शैली वाला है वो विराधक हो जाएगा, कांदर्पिक। ऐसे साधु होते हैं जो बड़ी प्रवचन शैली में उनकी इस तरह की होगी कि बहुत सारी जनता को कभी हंसाएंगे, कभी रुलाएंगे, कभी किसी की मिमिक्री कर रहे होंगे, उनको मजा आ रहा है कि बहुत सारी पब्लिक उनको फेन हो रही है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो इस दृष्टि के साथ किस दिशा में चले जाएंगे। आभियोग की भावना क्या होती है, कुछ लोग है जो पूरी जिंदगी को विद्याओं हासिल करने में, फिर उन विद्याओं के प्रयोग और दुष्प्रयोग में बिता देते हैं, अभियोग करते रहते हैं, तंत्र मंत्र करते रहते हैं। और मैंने ऐसे बहुत साधुओं को जानती हूँ जो जैन धर्म में दीक्षित हुए हैं लेकिन अपनी पूरी जिंदगी ज्योतिष तंत्र और मंत्र में गुजार रहे, और वो क्या चाहते हैं, इनके माध्यम से अपनी लाइफ की सिक्योरिटी, अपना आश्रम बना लिया, अपना मंदिर बना लिया, मठ बना लिया, बड़े बड़े स्थान खरीद के रख लिए। बहुत सारी पब्लिक उसके पीछे रहती है क्योंकि वो लोगों के लिए इस तरह की ज्योतिष की, जन्मपत्री की, तंत्र मंत्र की बातें करते हैं, उनको चूर्ण देते हैं, उनको मंत्र देते हैं, उनको कोई पर्चा पुर्ची देते हैं और बस ऐसी जिंदगी की बिताते जाते हैं। ये अभियोगी भावना बताया गया सूत्रों में इसको, और कहा कि जो इस तरह की दृष्टि और स्थिति वाला है वो दुर्गति में चला जाता है, विराधक हो जाता है। तीसरा बताया है किल्विषिक भावना। किल्विषिक भावना का मतलब होता है जो कलुषित दृष्टि से भरा हुआ है, जो सतत अपने से बड़े आचार्य, उपाध्याय, गुरु लोगों में, साधु लोगों में, सब में बस त्रुटियां ही देखता रहता है, उनके प्रति दुर्भाव से भरा रहता है, द्वेष रखता है उनसे, और अपने गुरुजनों के अपमान करने में, उनसे दुर्बुद्धि पूर्वक व्यवहार करने में सतत प्रयत्नशील रहता है, वो किल्विषिक भावना वाला होता है। अब किल्विषिक का मतलब क्या होता है, इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो दुर्गंध उठाने का जिनका काम होता है, जो गंदगी साफ कर रहे हैं। अब गंदगी साफ करने में उनको बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो गंदगी में रहते हुए गंदगी को साफ करने में उनको अपना पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? ऐसे देवताओं में भी देवता है जो किल्विषिक देवता कहलाते हैं। वो क्यों किल्विषिक बन गए? क्योंकि उनका पूरी जिंदगी दुर्गंध की तरफ ही दृष्टि थी, दुर्गंध इकट्ठी करते रहे अपने भीतर में, किसी महाराज के पास में बस उनकी दुर्बुद्धि से उनके भीतर में क्या दोष है बस वही देखते रहते हैं,
और सतत अपने आचार्य उपाध्याय और ज्ञानी पुरुषों की निंदा अवहेलना अविनय आशातना में लगे रहते हैं, वो किलबिशिक भावना वाले बन जाते हैं। और ऐसे क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उनको अपना अहंकार पोषण चाहिए, और ज्ञानी गुरुओं के पास में शुद्र अहंकारों को तो पोषण मिलता ही नहीं है, और तब वे लोग उनके विरोधी बन जाते हैं। और ऐसे विरोध में वातावरण में सतत अपने आप को रख करके अपनी दुर्गति तैयार कर लेते हैं। फिर बताया आसुरी भावना वाले। ये आसुरी भावना वाले लोग कौन से होते हैं? जो किसी के साथ कभी झगड़ा हो जाए तो जिंदगी भर उस द्वेष का और क्रोध का त्याग ही ना करे, भीतर भीतर बस द्वेष और क्रोध की आग में जो सतत जलते रहते हैं, उसी के प्रभाव में बने रहते हैं, वो आसुरी भावना वाले हो जाते हैं। मैं बड़े ऐसे जैन संप्रदाय के साधुओं को जानती हूँ जो एक ही संप्रदाय में रहे थे, एक ही गुरु के शिष्य थे, और गुरु के जाने के बाद में संप्रदाय भेद हो गए, वे अलग अलग आचार्य बन गए, अलग अलग पंथ उन्होंने बना लिए, अलग अलग नाम के गच्छ बना लिए, अलग अलग नाम की संस्थाएं खड़ी कर ली, और एक दूसरे के प्रति सतत ऐसे रहते हैं जैसे एक गली का कुत्ता दूसरे गली के कुत्ते को स्वीकार नहीं करता ना, उसको मिलते ही कैसे भौंकने लग जाता है, ऐसे वो एक दूसरे के प्रति भौंकने वाला व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के प्रति आलोचना टीका टिप्पणी से ही भरे हुए पत्र निकालेंगे, संप्रदाय खड़ी करेंगे, घरों के बाहर अपने नाम की प्लेट लगवा देंगे, ये उस फलाने गच के घर है, फलाने गच के घर है, घरों को बांटेंगे, लोगों को बांटेंगे, समूह क्षेत्रों को बांटेंगे, दूसरे क्षेत्र के साथ उनके क्षेत्र में चले जाए तो उनके साथ में क्या बुरा व्यवहार कर सकते हैं वो करेंगे। अब ये सब आसुरी भावना है। वो अपने आप को बोलते तो है जैन साधु है, बोलते तो हिंदू साधु है, बोलते तो है ज्ञान गच के साधु है, बोलते तो है मुक्त गच के साधु है, लेकिन कोई ज्ञान गच नहीं, कोई मुक्त गच नहीं, सब भीतर में जो भरी हुई आसुरी भावना है वो उनको कौन सी दृष्टि में ले जाएगी? ये उत्तरादन सूत्र का 36वां अध्याय कह रहा है कि मिच्छा दंशन रत्ता सनियाणा, जो मिथ्या दृष्टि से युक्त है, निदान से युक्त है, हिंसक भावनाओं से युक्त है, 5 आसुरी भावनाओं से युक्त है, और मोही भावनाओं से युक्त है। आसुरी भावना चाहे मोही भावना भी है, क्योंकि आसुरी भावना में क्या होगा, दुश्मन के प्रति दुश्मनी है तो अपनों के प्रति मोह है, और अपनों के प्रति मोह होगा तो क्या होगा, व्यक्ति जब अपनों के प्रति मोह होता है तो उनके लिए वो कृत्य अकृत्य कुछ भी कर लेता है, विचार नहीं करता कि करने योग्य है या नहीं है, वो अनाचार का भी सेवन कर लेता है। क्यों? क्योंकि अपनों के साथ मोह है उसको। तो जो आसुरी और मोही भावना से, गांधर्पिक और किलविशी भावना से, और अभियोगी भावना से युक्त जीव है, मिथ्या दंशन रत्ता है, सनियाणा है, हिंस मोगाड़ा है, हिंसा में आ सकते हैं, ये जे मरंती जीवा, ऐसे जो जीव मर जाएंगे, तेसिम पुन दुर्लहा बूही, उनको बोधि बहुत दुर्लभ है, अबे बोधि दुर्लभ हो जाएंगे, उनको मार्ग नहीं मिलेगा, भटकते 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 जाएंगे। इनका जिक्र क्यों किया गया इसी अध्याय के अंदर में? जब संलग्न संतारा की बात आ रही तो ये भावनाओं की बात क्यों आ रही है? क्योंकि भावना ही है जो भवनाशिनी भी है, और भावना ही है जो भववर्धिनी भी है। सही भावना हो तो भव खत्म हो जाएंगे, गलत भावना हो तो भवो भव जन्म मरण बढ़ते ही चले जाएंगे। और इस अध्याय के अंदर बताया जिन वैणे अणुरक्ता जिन वैणम जे करिंति भावेणम अमल असंकलिठा ते हंति परित संसारी, कि जो जिन वचन में अनुरक्त है, जो भाव पूर्वक जिन वचनों की आराधना करता है, जिन वचन यानी ज्ञानियों का वचन, ज्ञान का अनुभवी लोगों का वचन, जो अनुभवी लोगों के वचन में आसक्त है, अनुरक्त है, उनकी वचनों की आराधना करता है, और जिन वैणम जे करंती भावेणम अमला असंकलिठा, भीतर कोई मल नहीं, कोई संकलेश नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी से कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, ऐसे जीव परित संसारी हो जाते हैं, उनका संसार समाप्त हो गया, उनका संसार सीमित हो गया। और बताया कि जो मरने का समय आ रहा है तो आलोचना करना आवश्यक है, अपनी आलोचना किसके सामने करना, तो कहा बहु आगम विन्नाना समाहि उपाय गाह गुण गाही, जो बहुत आगमों का ज्ञाता है, जिसका अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया, आगम ज्ञाता, आगम का मतलब अनुभव ज्ञान, अंदर से आया हुआ ज्ञान का जो विज्ञाता है, यानी जिसने एक्सपीरियंस से जीवन को जिया, समझा और समृद्ध हुआ है, जो समाधि में जीता है, दूसरों को समाधि उत्पन्न कराने में की योग्यता रखता है, कैसे किसी की समाधि उत्पन्न कराई जा सके, ऐसी योग्यता रखता है, जो गुणग्राही है, ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी आलोचना की जा सकती है। और फिर सरल होकर के संलेखना संथारा पूर्वक एक सुंदर भावनाओं के साथ संपूर्णतया निर्वैर होकर के, संपूर्णतया सजग होकर के जो व्यक्ति मरता है, वो फिर मरता ही नहीं, वो सिद्ध हो जाता है, मृत्यु के पार हो जाता है, अमर हो जाता है, अमृत हो जाता है। ये 36वें अध्याय का सार है।
ये बताया जीव और अजीव की विभक्ति को, यानी दोनों के भेद को जान लो, जीव अलग है अजीव अलग है, अभी मिला हुआ है, मिश्रण है, तो मिश्रण का नाम ही सारा हमारा जन्म मरण है। जो इसके भेद विज्ञान को पैदा कर लेता है वो 36वें अध्याय में आ गया, और 36 भेद विज्ञान का अंक है, भेद विज्ञान का अंक है ये 36। बस यहाँ पे आके बात पूरी हो जाती है, 36 हो गए। आचार्य के 36 गुण बताए गए, ये उत्तराखंड के 36 अध्याय ही है जो आचार्य के भीतर जागृत हो जाते हैं। जो जागृत हो जाते हैं वो आचार्य होता है, जागृत नहीं हुए तब तक आचार्य नहीं। भेद विज्ञान है तो भय समाप्त है, उसकी मृत्यु मोक्ष हो जाएगी। भेद विज्ञान नहीं है तो अभी जन्म मरण चालू रहेगा। 36वां अध्याय जीव और अजीव की विभक्ति को, दोनों के भेद की बात कर रहा है, कि दोनों के भेद को जान ले, अपने भीतर उस भेद को प्रकट कर ले। और वो यात्रा कैसे होगी, अपने भीतर के प्रश्नों का ध्यान करते जाए। तो अब 36वां अध्याय को हम यही छोड़ते हैं, कंप्लीट करते हैं एक तरह से, संक्षेप में तो पूरा हो गया। अब किसी को कोई प्रश्न करना है, कोई जिज्ञासा है तो वो कर सकते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। I will unmute everyone, just give me one second. If you want to ask a question, you can unmute yourself and ask a question. We do have one question that was asked last week. We will cover that after this question. कौशिक जी, हाँ जी, जिनेंद्र, मेरा प्रश्न बहुत पुराना था, मौका है आज, आपने अंतिम अध्याय बताया कि अपने कर्म की शुरुआत कब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी दो कसाईयों ने मारा कन्हैया लाल को, तो ये कन्हैया लाल के पुराने कर्मों का फल है या नए कर्मों की शुरुआत हुई है अभी, और अब अगली बार कन्हैया लाल उसको, उन दोनों को मारेगा। तो मेरा प्रश्न है कि वो मुर्गी कौन अंडा पहले, मुर्गी पहले या अंडा कौन पहले, तो ये कर्म की शुरुआत है कि कर्म का विपाक है। देखो, कर्म के बारे में और किसी अन्य के कर्म के बारे में जो आपका प्रश्न है कन्हैयालाल के बारे में, किसी भी कि वो शुरुआत है या विपाक है, दोनों बातें साथ साथ है, दोनों बातें साथ साथ, शुरुआत भी और विपाक भी है, क्योंकि एवरी मोमेंट, हर समय हमारे भीतर शुरुआत भी है, और हर समय हम किसी न किसी तरह के विपाक को भी महसूस कर रहे हैं, कोई ना कोई फल भी भोग ही रहे हैं हर क्षण हमारे सामने। जो कुछ हो रहा है वो भोग तो है ही, वेदन हो रहा है वो भोग तो है ही, लेकिन हर भोग के साथ में हमारे भीतर एक शुरुआत भी है ही, कि हम उस भोग को किस दृष्टि से भोगते। हर क्षण चुनाव हमारे सामने है ही, कि हम किस दृष्टि से इस घटना को लेते हैं, और हम घटना को तीन आयामों में ले सकते हैं, प्लस माइनस न्यूट्रल। इसीलिए कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जबकि हमारे पास में स्वतंत्रता ना हो चुनाव की, कि हम मुक्त हो जाएं या ना हो। हर क्षण स्वतंत्रता है, हर क्षण हम मुक्त हो रहे हैं। अगर हम कुछ भी नहीं चुन रहे तो हर क्षण मुक्त हो रहे हैं, जीरो पर आ गए, मुक्त हो रहे हैं। लेकिन हर क्षण हम प्लस माइनस में भी जा रहे हैं ना, तो हम नया बंधन भी बांध रहे हैं, और नया बंधन बांध ही क्यों रहे, क्योंकि सामने कोई ना कोई स्थिति आई है, और स्थिति क्यों आई है, क्योंकि वो कोई ना कोई विपाक है, कोई ना कोई चीज पक्की, इसलिए वो सामने आई है, खिर करके सामने आई, निर्जरित होने के लिए सामने आई है। तो कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जबकि उदय नहीं हो रहा है, जबकि निर्जरा नहीं हो रही है, और जबकि बंद नहीं हो रहा है। अब बंद हो या ना हो ये हमारे ऊपर है, लेकिन उदय में आना और निर्जरित होना ये तो तब तक चालू है जब तक हम इस शरीर में है। इज इट क्लियर फॉर यू? रमेश जी, मैंने आपको म्यूट किया था, आपका जो डिस्टरबेंस बहुत आ रहा था, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जबकि विपाक ना हो रहा, और एक भी क्षण ऐसा नहीं है जबकि हम बंधन बांध रहे हो या नहीं बांध रहे हो, उसकी स्वतंत्रता हमारे पास ना हो। हमारे पास सदा स्वतंत्रता है, हम बंधे या नहीं। जी, धन्यवाद।
वेलकम। एक और प्रश्न था, सेजल जी मौजूद है क्या, या आप बताए वो जो मेल पर आया है। तो ये क्वेश्चन था कैलाश जी मुथा जी ने भेजा था। जय जिनेन्द्र, आई हैव क्वेश्चन ऑन द इनिशियल पार्ट ऑफ लेक्चर 15 फॉर पूज्य वैभव श्री जी। If there is some time, if it relates to the topic, please explain anubandh, as in punyanubandh, both for the layman and for the people involved in detail swadhyay. Any related reference material for future swadhyay? Is this same as jivika nazariya mentioned in the early part of Pravachan 15? Prashna hai, wo anubandh ke baare mein janna chahte hain, Kailash ji Mutha. अनुबंध का मतलब होता है पैक्ट करना, संबंध निर्मित कर लेना, संविदा, समझौता, संबंध बनाना, दैट इज कॉल्ड अनुबंध। अब हर क्षण हम कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टि से, किसी न किसी घटना से, किसी न किसी लोगों के साथ, किसी न किसी वातावरण के साथ अपना संबंध बना ही तो रहे हैं, दैट्स अनुबंध। जो प्रमादी है वो सतत अनुबंधों में ही जी रहा है, जो अप्रमादी व अनुबंधों के बीच जागृत है इसलिए मुक्त होता जा रहा है। अब जो प्रमादी है और अनुबंधों में जी रहा है, वो अनुबंध भी दो प्रकृति के हो सकते हैं, एक पुण्य अनुबंध, एक पाप अनुबंध। पुण्य अनुबंध का मतलब हो सकता है ऐसा अनुबंध जो आपको अपने आत्मिक गुणों की वृद्धि की ओर ले जा रहा है, आपको अपने भीतर की दिशा में बढ़ाने में गति करवा रहा है, जैसे स्वाध्याय, जैसे ध्यान। या स्वाध्याय का मतलब किताब पढ़ना नहीं है, या स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन करना। स्वाध्याय का सिंपल सा अर्थ है स्वयं ना अध्ययन, और हमने स्वाध्याय को लगा लिया किताबें पढ़ना। नहीं नहीं, किताब पढ़ना सहायक हो सकता है स्वाध्याय में, लेकिन वो स्वाध्याय है नहीं, स्वाध्याय है स्वयं को पढ़ना। तो जो स्वाध्याय की दिशा में जा रहा है वो पुण्यानुबंधी है, जो ध्यान की दिशा में जा रहा है वो पुण्य अनुबंध में जा रहा है, और जो पर अध्याय में जा रहा है वो पाप अनुबंधी है। जो पर का ही लगातार अध्ययन कर रहा है, उसने कर्म बांधा कि नहीं बांधा, उसने भोगा कि नहीं भोगा, उसको कब फल मिलेगा। अब हम दूसरों पर क्यों जा रहे हैं, खुद पे क्यों नहीं आ रहे कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। पर हम धर्म के क्षेत्र में आकर के भी, प्रवचन आदि सुन करके भी, एक भाई एक बार आया देहरादून के अंदर प्रवचन सुनने के लिए, लगातार बहुत किलोमीटर दूर से आते थे, 5-10 दिन हो गए। फिर एक दिन विहार में हमारे साथ चल रहे, मुझे कहते पता है मैं आपके प्रवचन सुनने क्यों आता था। मैंने कहा बताओ क्यों आते, मुझे क्या पता आप क्यों आते थे। क्या, एक तो आपके प्रवचन मुझे बहुत अच्छे लगते पर मुझे मेरे लिए अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा तो फिर किसके लिए अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी के लिए मुझे बहुत अच्छे लगते, मुझे इतना मजा आता था ये सब सुन करके अपनी बेटी को वापस सुनाता था, क्योंकि उसकी जिंदगी बदलनी चाहिए, मैं उसके लिए आपके प्रवचन सुनने आता था। अब बस ये हो गया पाप अनुबंध। हम सुनते भी दूसरों को सुनाने के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए, दूसरे के लिए वापस उपदेशक बनने के लिए, ये हो गया पाप अनुबंध। तो अनुबंध है आपको किस दिशा में जा रहे हो, किस दृष्टि से, किस दिशा में बढ़ रहे हो। खुद की दिशा में बढ़ रहे हो तो वो पुण्य है, जागरण की दिशा है। दूसरे की दिशा में जा रहे हो, नींद की दिशा है, पाप की दिशा है, वो पाप अनुबंध है। तो अनुबंध है आपका पैक्ट किस तरफ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, और नेचुरली वो पैक्ट कैसे हो रहा है, आपके अपने नजरिए और आपके विचारों के द्वारा ही तो हो रहा है, आपकी अपनी भावनाओं के द्वारा ही तो हो रहा है। तो हम अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने नजरियों के प्रति सावधान हो जाए, सतत सावधान साधते, सावधानता के साथ जीते जाए, तो क्या होगा, हम मुक्त अनानुबंधी हो जाएंगे, मुक्त अनानुबंधी। तो यहाँ देखा जाए तो कई तरह की स्थितियां पैदा होगी, कोई है पुण्यानुबंधी पुण्य, कोई है पुण्यानुबंधी पाप, कोई है पापानुबंधी पुण्य, कोई है पापानुबंधी पाप। ये है चार दृष्टि जो संसार की दृष्टि, संसार में ही टिका रही है अभी। और एक पांचवी दृष्टि है वह मुक्त अनानुबंधी, वह मुक्त अनानुबंधी पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है, लेकिन मुख्य बात पुण्य पाप नहीं है, मुख्य बात है मुक्त अनानुबंधी अवस्था। विराट गुरु जी क्या करते थे कि साधक को मुक्त अनानुबंधी अवस्था में जाना है, उसको कोई फर्क नहीं महसूस करना चाहिए कि वो पुण्यों में है या पाप में है, बस वो पुण्य और पाप को जोड़े किस दिशा में, बोला अनानुबंधी, कोई अनुबंध नहीं और मुक्ति की दिशा में हो जाए, मुक्त अनानुबंधी दिशा में जाए। पुण्यानुबंधी पुण्य भी संसार है, पुण्यानुबंधी पाप भी संसार है,
पापानुबंधी पाप भी संसार है, पापानुबंधी पुण्य भी संसार है। इनका मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति प्राप्त उत्तम स्थितियों से वापस उत्तम स्थिति में जा रहा है या बुरी स्थिति के साथ संबंध बना रहा है। कोई प्राप्त बुरी स्थिति से भी अच्छी स्थिति में जा सकता है और कोई प्राप्त बुरी स्थिति से और बुरी स्थिति में भी जा सकता है। तो हम ये देखें कि हम प्राप्त कौन सी स्थितियों से कौन सी दशा में जा रहे हैं, अब भी हम कहाँ खड़े हैं, पुण्य में खड़े हो या पाप में खड़े हो, मुख्य बात है हमारी दृष्टि किस तरफ है। हमारी दृष्टि अपने आप की तरफ है या इस जगत के लोगों को सुधारने में, लोगों को बदलने में, लोगों से शिकायतें करने में, दुनिया भर की न्यूज कलेक्ट करने में, किस में हमारी दृष्टि है, बस इसकी तरफ ध्यान दें। और वो प्रश्न था रमेश चंद्र बुरा जी का कि मुर्गी पहले या अंडा पहले, ना पहले पीछे कुछ है ही नहीं। जैसे एक सर्कल के अंदर कोई स्टार्टिंग पॉइंट और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, एक सर्कल हम बनाए, एक वृत्त बनाए, तो इसके अंदर कोई स्टार्टिंग कोई एंडिंग पॉइंट ही नहीं, क्योंकि वो तो गोल गोल है। ऐसे ही पूरा जगत दुनिया गोल गोल है ना। बोलते संसार का मतलब होता है द व्हील, चक्र, संसार शब्द का मतलब है चक्र। अब इस चक्र के अंदर कोई पहले पीछे है ही नहीं, और देखा जाए तो जो पहले वो पीछे भी है, जो पीछे वो पहले भी है, क्योंकि तो सारा गोल गोल है। इसलिए मुर्गी अंडा सब गोल गोल है, कोई पहले नहीं कोई पीछे नहीं। भगवान महावीर से भी एक प्रश्न किया गया उस जमाने में, उन्होंने कहा दोनों ही सदा है, दोनों ही शाश्वत भाव से सदा मौजूद है, अस्तित्व में मुर्गी भी और अंडा भी है, यहाँ पहले पीछे कुछ है ही नहीं अस्तित्व के अंदर। ठीक है, जय हो। और कोई प्रश्न लेना चाहिए जी? आपने कहा पाप और पुण्य कोई तत्व नहीं है, तो हाँ। अभी आप अनुबंध के विषय में पुण्यानुबंध और पापानुबंध के पाप पुण्य मान लिया है, वो गलत मान लेते हैं। पाप और पुण्य अपेक्षाएं हैं, तत्व नहीं है, अपेक्षा भेद है, रिलेटिवली है। जैसे अपन बोलते हैं ना रिलेटिवली, यहाँ अच्छा मौसम है, कहीं गर्मी है, कहीं मस्त मौसम है, तो रिलेटिवली है पाप और पुण्य, एक्चुअल फैक्चुअल नहीं है। फैक्चुअल तत्व नहीं, तत्व का मतलब होता है फैक्ट पोजीशन। तो देयर इज नो फैक्ट पोजीशन पाप और पुण्य, क्योंकि कोई चीज जिसके लिए पुण्य हो रही है वो किसी और के लिए पाप हो सकती है। जैसे सपोज नॉर्मली लोग सोचते हैं कि पैसा होना, बहुत पैसा होना, महलों में रहना, सुख सुविधाओं में रहना, वो सब पुण्य है, ठीक है। लेकिन महावीर और बुद्ध जैसे लोग तो इन सब कुछ चीजों को छोड़ के चले जाते हैं, वो तो इनको पुण्य नहीं समझ रहे। अगर पुण्य समझ रहे तो वही ठीक है रहते शायद, उनको तो ये भी बंधन लग रहा है, वो से भी बाहर आ जाते हैं। तो ये रिलेटिवली है पुण्य और पाप। हम जिसको पुण्य मान रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी का नाम होना बहुत, जैसे अपन सपोज बोलते हैं मैंगोज के अंदर जो हापुस जाति के आम है वो बहुत अच्छे हैं, हम हापुस जाति के आम को बनाएंगे, बोलेंगे आमों में ये पुण्यवान आम है, ये आमों का राजा है हापुस। लेकिन अब हापुस के साथ देखो, हापुस में कोई छोड़ेगा ही नहीं, सब खा लेंगे। भाई गुलाब का फूल हम बोल रहे सारे फूलों में श्रेष्ठ है, अगर हम माने सपोज कि वो पुण्यवान है, तो वो तो खुद गुलाब के फूल की स्थिति देखो कि उसको देख करके कोई गाय नहीं छोड़ती, कांटा उसके साथ सदा लगा रहता है। तो हम जिसको पुण्य पाप कह रहे हैं अपेक्षाओं से है, सारी ये सापेक्ष स्थितियां है, फैक्चुअल पोजिशन नहीं है पुण्य पाप, तत्व नहीं, यानी फैक्चुअल पोजिशन नहीं है, ये रिलेटिवली है, इस अपेक्षा से ये पुण्य, इस अपेक्षा से ये पाप है। ऐसा जैसे हम कंफर्टेबल पोजीशन को पुण्य मान लेते हैं, डिस्कम्फर्ट को हम पाप मान लेते हैं, लेकिन कंफर्ट में भी डिस्कम्फर्ट है, डिस्कम्फर्ट में भी कंफर्ट है। बंद कोम को तो दो भागों में बांटा है, दो चीज को बंद होता है, पुण्य तो बंद के नहीं, बंद के दो भेद नहीं है, ये आश्रव के भेद है पुण्य और पाप। पुण्य भी आश्रव है, पाप भी आश्रव है। बंद के तो चार भेद है, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, इसकी बात हम फिर करेंगे किसी और दिन। आश्रव के दो भेद है, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। कौन स्वाध्याय क्या पूछ रहे हैं? शेष हो गया, इसके बाद कौन सा विषय अपने आप लेंगी, अब इसका लाभ मिलेगा? हाँ जी हाँ जी, ये तो नॉर्थ कैरोलिना वाले तय कर रहे हैं कि उन्होंने पहले उत्तराधिकारी के लिए रिक्वेस्ट किया, वो रिक्वेस्ट करेंगे। वैभवश्री जी, एक और क्वेश्चन आया है, अगर अगर इसका आंसर अगर लंबा हो तो नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे,
वो ईश्वर जी संघवी जी से आया हुआ है. भेद विज्ञान लुक्स टू बी फाइनल स्टेज ऑफ गुणातीत एंड जीव लुक्स टू फ्लो इन द गुणास, सो प्लीज एनलाइटन ऑन दिस एनोमली. भेद विज्ञान को वो गुणातीत बोल रहे हैं और जीव को वो गुणस्थान में बोल रहे हैं. जीव इनटू द गुण. ईश्वर जी अगर आप कॉल पे हैं तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. हाँ, स्वयं पूछ लीजिए और नहीं तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट मीटिंग में भी ले सकते हैं क्योंकि आज से आपका समय काफी हो गया. हाँ, आज का समय काफी हो गया है. ईश्वर जी, वी विल कवर दिस नेक्स्ट वीक. अगर आपको मुझे ईमेल में भेजना है क्वेश्चन तो आप भेज सकते हैं, दैट वुड बी बेटर. और वी विल कवर द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट टाइम. सो आज का जो है सेशन अभी अभी खत्म करते हैं. और वैभवश्री जी, अगर आपको आपको वो मांगलिक करना हो. हाँ जी. आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम. आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम. आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके. दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम. रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके. अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा. अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा. रुख पे खिलती रहे यूं रूप. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड स्टेइंग ऑन द स्वाध्याय. आई रियली अप्रिशिएट इट. And we'll send you the email next week again. Thanks, everyone. Thank you. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam.